ओके जी, सो आज का प्लान क्या है? सो माय प्लान इज द फॉलोइंग। आई विल ट्राई टू, सो टुडे इज लेक्चर नंबर 2। सो So today's lecture number 2. Lecture number 2. Okay, and we are today starting C++. Okay. All right. अच्छा, आज मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी मजेदार कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और उसके अलावा ऑफ कोर्स वी गो टू कोर थिंग्स, जो कि कहीं भी कोई मसला हो वो आपने मुझे जरूर बताना, ठीक है? अच्छा, आई सपोज हर एक ने व्यू स्टूडियो 2019 कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर लिया है। जी सर, जी हो गया। किसी ने ना किया? यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी का नहीं हुआ फिर इंस्टॉल, तो वो प्लीज क्लास के फॉरन बाद हमें बता दे। कोई मसला अगर आ रहा है तो हमें बताओ, बताओ, ठीक है? ऑल राइट जी, सो आई सपोज आज मैं उसी पे काम करूंगा, ठीक है? ऑल राइट जी, तो अच्छा अब मैं आपको ना एक छोटी सी पहले कहानी सुनाता हूँ, कहानी बड़ी जरूरी है, ठीक है? अच्छा, लेट मी शेयर द स्क्रीन। वेयर इज माय ज़ूम, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो शेयर द स्क्रीन, स्क्रीन एंड देन स्क्रीन शेयर। ऑलराइट जी, अच्छा अब हम कुछ मजे की बात करते हैं। All right. So today is lecture number 2 and I will going to talk about C++. ठीक है? अच्छा मैं आपको एक छोटी सी मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात यह है थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है? ये हिस्ट्री ना थोड़ी सी जाननी जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना इसे पता लगता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो तकरीबन बात है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी की, ठीक है? 18th सेंचुरी की, ठीक है? 18th सेंचुरी के ऑलमोस्ट एंड की बात है, 18th सेंचुरी के एंड की बात है। ओके ओके, सो द थिंग इज कि 18th, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो सो 19th सेंचुरी की बात, अराउंड 1830 की बात, ठीक है? अच्छा मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये था, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो चुकी है, यस, ओके। अच्छा अब ना लोग मैकेनिकल चीजें बना रहे हैं, ठीक है? लोगों ने बस मशीनें मशीनें जो है ना मशीनें बनना शुरू हो गई हैं, और मशीनें जो है ना वो काफी ऑटोमेटेड काम कर रही हैं, ठीक है? सो मशीन्स आर देयर, और ये मशीन्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि बेसिकली काफी सारे काम कर रही हैं, ठीक है? यस, मैकेनिकल, सॉरी, सो इट शुड बी मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है? तो मैकेनिकल, ये मैकेनिकल मशीन्स हैं और जो काम कर रही हैं, ठीक है? जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस में एक काफी मशहूर डिवाइस जो मशहूर है वो थी प्रिंटिंग मशीन, ठीक है? सबको पता है ना प्रिंटिंग मशीन क्या होती है? आपने फोटोकॉपी की मशीन देखी है? सबने फोटोकॉपी की मशीन तो देखी होगी, है ना? यस सर, ठीक है? तो इस तरह की एक मशीन है, ठीक है? सो बेसिकली ये इस जमाने की बात है, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग जो है मशीन आ चुकी हुई है, और ये मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की। यूरोप बहुत अरसे से मशीन्स वगैरह पे काम कर रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, और मशीनें जो है ना वो बहुत तेजी से बनना शुरू हो गई है, ये मैकेनिकल मशीन, ठीक है? ऑफ कोर्स कंप्यूटर अभी तक नहीं आया, बहुत पहले की बात हुई है, ठीक है? अच्छा, एक ना यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ था, और वो तूफान था कि वो तूफान, मैं आपको मजेदार बात बताऊं, दो जगह पर खड़ा हुआ था, एक यूरोप में खड़ा हुआ था और एक
हमारा जो मुसलमानों की हुकूमत थी उसको कहते हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर यही स्पेलिंग होती है, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट एवर इज दिस, ठीक है ना, ये मैं तुर्कीश एम्पायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑल राइट, अच्छा हाँ, अर्तुगरल जो आप आजकल देख भी रहे हैं, ठीक है ना, वही वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और देर इज नो कंपेरिजन, यानी यूरोप उस जमाने में डार्क एजेस से निकला हुआ, उसकी की हालत ही नहीं है, यानी वहाँ के लोगों की जमीन थी इतनी बुरी हालत थी, नहाते थे नहीं, इतने गंदे लोग थे, ठीक है। और हम लोग इंतहाई सोफिस्टिकेटेड, इंडिया में भी देख लो, इंडिया में बेसिकली मुगल अम्पायर थी, मुगल हम सल्तनतें थी, और वो इतनी बड़ी सल्तनतें थी कि इनका और इनका कोई मुकाबला ही था, नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई मुकाबला नहीं का मतलब है वाकई में कोई मुकाबला नहीं, यानी ये तो इनको तो हम कह सकते हैं कि ये भिखारी थे, ठीक है। और हम जो थे ना वो इस वक्त हमारे हमारे कोई बड़े शान और शौकत बनी, हम कैसे। अच्छा हम आगे चलते हैं, मान को बहुत गुस्सा आ रहा लेकिन दैट्स ओके, ठीक है। अच्छा प्रिंटिंग प्रेस जब आया, वैसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है वो मशीन जो है वो बेसिकली भेजी गई थी यहाँ ऑटोमन एम्पायर में, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा मशहूर थी, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं आपको भेजते हैं। इन्होंने उनको मशीन दिखाई ऑटोमन एम्पायर को, और बेसिकली इन्होंने कहा वाह ये तो बड़ी कमाल चीज़ है। अब ऑटोमन एम्पायर ने कहा कि ये तो उसका मतलब है कि हमने जो हम उस जमाने में किताबें जो लिखी जाती थी ना वो ना हाथ से लिखी जाती थी, सो बुक्स वर यूज टू बी रिटन बाय हैंड। अच्छा ये जो प्रिंटिंग प्रेस की मशीन आई ना, हुआ ये कि ऑटोमन एम्पायर में फैसला किया कि हम इन मशीनों पर बैन लगा देते हैं। अच्छा बैन हम क्यों लगाते हैं, बैन हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज ये तो बुक्स हैं, ये तो बड़ी आप समझ लेंगे पाकीज़ा चीज़ है, यानी इंसान इसको अपने हाथों से लिखता है, ठीक है, इसको हाथों से ही लिखना चाहिए। और उनका जो आर्गुमेंट था वो ये था कि अब यानी कि एक मशीन जो बे यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें कोई इमोशनल चीज नहीं है, अब वो बुक्स को लिखा करेगी। ऑटोमन एम्पायर्स ने एक कलेक्टिव फैसला किया कि जो मशीन है उनके हम पर बैन लगा देते हैं, जो ऑटोमेटेड मशीन है उनके ऊपर बैन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा उस ये मैं बता रहा हूँ तकरीबन तकरीबन 1300 और 1400 के अराउंड की बात है, अच्छा इसके तकरीबन 200-300 साल के बाद की बात है। अब यूरोप में रहते हैं, अच्छा यूरोप में भी एग्जैक्टली यही होता है, ये मशीन आई, मशीन वहाँ पर फेमस हुई और भी बहुत सारी मशीन आई, ठीक है, लेकिन यूरोप की जो पार्लियामेंट वो एक बहुत ही कमाल डिसीजन लेती है जिसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी, और वो ये कि उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने बेसिकली ना सिर्फ ये कहा कि कोई भी ये मशीन्स हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये कि मशीन्स को ऐलान किया कि मशीन्स को कोई मशीन्स हम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उन्होंने साथ ये भी कहा बाय द वे यूरोप जो है उस वक्त इंतहाई गुर्बत में था, ये बहुत गरीब लोग थे। अच्छा ये अमान ने कल एक बात की थी कि रेड पेन यूज मत करें, सो लेट मी नॉट यूज रेड पेन, तो आप इसे कोई जो भी ना मुझे याद करा दी करें कि रेड पेन ना यूज करें, ठीक है। अच्छा तो गरीब लोग थे, इन्होंने कहा मशीनें आएंगी तो मशीन तो हमारी जॉब्स ले लेंगी, लेकिन यूरोप की पार्लियामेंट ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि मशीन्स जो है मशीन्स ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर हम बैन नहीं लगाएंगे, बल्कि एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर किसी ने मशीन्स को कुछ भी कहा, यानी ये मशीन पड़ी हुई है ना, कोई बंदा आता है उसको आके कोई भी नुकसान पहुंचाता है और ये साबित हो गया कि ये इसने मशीन को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो बेसिकली इसको इसको हैंग कर दिया जाएगा। So, but not only what they did is कि उन्होंने बेसिकली मशीन को कहा कोई इसको हाथ ना लगाए, बल्कि किसी ने अगर हाथ लगाया तो उन्होंने कहा इसकी जो पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब पता है क्या है, यानी कि ऑन स्पॉट किल कर दो,
ऑन स्पॉट किक। और मैं मजे की बात बताऊँ आपको, उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये सिर्फ और सिर्फ अलामतन ये डिसीजन लिया, बल्कि उन्होंने ये भी किया, उन्होंने बेसिकली वाकई में पता नहीं कितने लाखों की तादाद में लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है। और बेसिकली उस वक्त के जो भी वो लोग थे, जो गरीब लोग थे, बेसिकली वो जो मशीनों के अगेंस्ट खड़े हुए थे, उनके लिए एक बहुत मशहूर एक टर्म यूज होती थी, लूडाइट्स। ये क्या लोग थे? ये बेसिकली ये वो लोग थे जो कहते हैं मशीनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मशीनें हमें गरीब कर रही। सो देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा, ए यूरोप के जो गवर्निंग पार्लियामेंट थी, उन्होंने ये फैसला किया कि आप इसको कुछ नहीं कहेंगे, मशीनों को आपने कुछ नहीं कहना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। बाय द वे, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पार्लियामेंट में एक बड़ा मशहूर एक बंदा था जो कि पार्लियामेंट में था, बड़ा नफीस और पोएट आदमी था, उसका नाम था लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, ठीक है। लॉर्ड बायरन जो था ना, उसने बेसिकली, लॉर्ड बायरन ने बेसिकली, ये पार्लियामेंटेरियन था, इसने बेसिकली ये लुडाइट्स की तरफ से खड़ा हुआ था और पार्लियामेंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, इसने बाकायदा बड़ी बड़ी तकरीरें की थी, वो तकरीरें भी मिल जाती हैं लॉर्ड बायरन की, और ये मशीनों के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, ठीक है। और ये पोएट भी था, ठीक है, ये पोएट भी था, पोएट भी था, पॉलिटिशियन भी था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। ये जो लॉर्ड बायरन था, ये बेसिकली ये लॉर्ड बायरन और बेगम, इसकी एक बेगम थी, दे फॉलोड विद ईच अदर, दे फॉलोड इन लव विद ईच अदर, दे गॉट मैरिड, और इनकी एक छोटी सी बेटी पैदा हुई, ठीक है। और इसकी बेटी का नाम था एडा लवलेस, ठीक है। जब इनकी बेटी पैदा हुई, उस वक्त के थोड़े से बाद इन दोनों की आपस में सेपरेशन हो गई, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एडा लवलेस जो है ना, ये बेसिकली अपनी माँ के पास ही रही, ठीक है। लेकिन एडा लवलेस की जो मदर थी, उसको उसको अपने इस लॉर्ड बायरन से इतनी नफरत थी कि उसने बेसिकली एडा लवलेस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। अच्छा, मैं रिस्ट्रिक्शन का यहाँ पे डब्बा बना रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन इसने ये लगाया कि हर वो काम जो लॉर्ड बायरन करता है तुमने नहीं करना, बिकॉज वो चाहती थी कि एडा लवलेस जो है वो अपने बाप की तरह ना बने, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो लॉर्ड बायरन था वो था पॉलिटिशियन, पोएट, आर्टिस्ट, ठीक है। अब एक बात बताएं मुझे, और इसकी मदर ये चाहती थी कि ये ना बने, तो आपके ख्याल में उसने क्या किया होगा जी? उसकी मदर ने उसको पढ़ाना तो था, पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया क्या? आपके ख्याल में क्या पढ़ाया होगा? मैथ्स। क्या, दोबारा बोलो। मैथ्स। जी जी जी, उसने कहा कि इसको सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का आर्टिस्ट आर्टिस्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि एक दफा क्या हुआ कि एडा लवलेस की, ये एडा लवलेस जो थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, और इसकी ये जो टीचर है वो उसे पढ़ा रही थी, ठीक है। और वो इसकी मदर जो है वो यहाँ पर एक उसके कमरे में आई, और उसने देखा कि ये जो टीचर है ये इसको नेगेटिव नंबर्स के बारे में बता रही है, ठीक है। और इसकी मदर ने आके फौरन इस टीचर को डांटा, और डांटे कहा तुम इसको नेगेटिव नंबर्स के बारे में क्यों बता रही हो? उसने कहा क्यों, नेगेटिव नंबर के बारे में क्यों ना बताऊं? कहती नेगेटिव नंबर्स रियलिटी में नहीं होते, दिस इज एन आर्टिस्टिक टॉपिक, डोंट टीच दैट। इतनी नफरत करती थी वो आर्ट से, ठीक है। लेकिन एडा लवलेस बड़ी हो गई। अब मैं एडा लवलेस की बात आ रहा हूँ कि एडा लवलेस नाउ शी इज बिकम ए वेरी ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, गर्ल आप कह सकते हैं, लेकिन एन एडल्ट। इस वक्त तकरीबन 17 से 18 साल की, ठीक है। अच्छा, इस जमाने में एक बड़ा ही मशहूर मैकेनिकल इंजीनियर था, और उसका नाम था
चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, he was a mechanical engineer, mechanical engineer, ठीक है, ये ना बड़े ये मशीनें बनाया करता था और लोगों को उस वक्त जो रॉयल सोसाइटी होती थी जो बड़े अमीर अमीर लोग होते थे उनको बेसिकली आके ना अपनी मशीनें दिखाया करता था और बड़ा ही शोहरत का हामिल था, ठीक है। अच्छा ये जब 17-18 साल की जब एडा लवलेस थी तो उस वक्त क्या होता है, लॉर्ड बायरन जो है, जो लॉर्ड बायरन है ठीक है वो बेचारा मर जाता है, ठीक है, लॉर्ड बायरन जो है वो उसकी डेथ होती है, ठीक है। जब लॉर्ड बायरन की डेथ होती है तो बेसिकली इसकी जो माँ है उसको उसको रहम आ जाता है और वो लॉर्ड बायरन का जो तमाम की तमाम उसकी किताबें थी ना, ये किताबें पढ़ी हुई थी, वो बेसिकली वो एडा लवलेस को दे देती है, ठीक है, ठीक है, एडा लवलेस को दे देती है, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है कि जो एडा लवलेस है वो अपने बाप का काम पढ़ती है, ठीक है, और जब वो काम पढ़ती है तो she realizes कि इसका बाप कितना कमाल आदमी था, ठीक है। अच्छा लेकिन साथ ही वो उसकी जो पार्लियामेंट की स्पीच नहीं है वो भी पढ़ती है और पार्लियामेंट की स्पीच पे देखती है यार कि ये जो मेरा बाप था ये तो मशीनों के अगेंस्ट, ठीक है। एक बात याद रखिएगा इसकी जो एजुकेशन है वो किस पे हुई हुई है, एडा लवलेस की जो एजुकेशन है वो किस पे हुई है सकते हैं आप, मैथ्स, मैथ्स, ठीक है, और वो मशीनों को भी देख रही है, मशीनें भी उसको मैथ्स ही लगती है, ठीक है। अच्छा अब एक और काम होता है कि जब उसका सारा आर्ट वर्क पढ़ लेती है उसके ऊपर इतना असर पड़ता है, नाउ शी स्टार्ट्स थिंकिंग इन आइडियाज, ओके, और वो जब कहती है ना कि ये जो मेरा बाप था वो अगेंस्ट था, उस जमाने में सबसे ज्यादा मशहूर जो मशीन थी ना उसका नाम था जैकार्ड लूम, जैकार्ड लूम, जितने जो लोग कंप्यूटर पहले पढ़ चुके हैं ना उनको शायद इसका नाम पता हो, जैकार्ड लूम, मैं आपको ना तस्वीर भी दिखा देता हूँ, मैं आपको इंटरनेट पर तस्वीर दिखाता हूँ, लेट मी कहते हैं जैकार्ड, जैकार्ड लूम, ये बड़ा मशहूर मशीन थी, बेसिकली आपको यहाँ पे ना नजर आ रही होगी, ये मैं अपने चलाक दिखाता हूँ, ये बेसिकली ये एक मशीन थी और इस मशीन में होता क्या था मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये सीट यहाँ पे आ रही है, मैं इसको कैसे कैसे करूँ, इसमें बेसिकली था क्या, ये जो थे ना ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली मैकेनिकल मशीन थी जो कि मूव होती थी और ये ना ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है ये बेसिकली क्या होता था कि ये ऊपर ये जो है ना ये बेसिकली ये इसके तारे जो है ना ये कलर पिक करती है, नीचे कलर के पैलेट्स होते थे, ये यहाँ से लेफ्ट साइड से ये जो ये आ रहा है ना ये बेसिकली ये ना ये तो ये आपको दिखा रहा है ये बेसिकली डिजाइन होता था वो मशीन पे करते थे, यहाँ से डिजाइन करती थी, ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं और इसको पढ़ के इसको से नजर होता कि कौन सा मैंने कलर उठाना है और इसके ऊपर ये देखो अभी आपको दिखाता हूँ मैं आपको, ये ना ये रीड करता था, इसका ये रीडर था जो बेसिकली इसको रीड करता था, ये देखा ये रीड करता था और ये देखिए ये रीड कर रहा है, ये वो पढ़ता जा रहा है और जो जो आर्ट जो जो सुराख इनेबल होता था वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर पैटर्न बना, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ये आप इसको मजीद पढ़ के देखिएगा, यू विल रियली एंजॉय इट, ये बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा जब एडा लवलेस बहुत अमीर खातून थी, तो बड़े अमीर माँ की बेटी थी, तो जब इसने जैकर लूम जाके देखा ना, she got stunned by this, ठीक है, and she got so stunned, इसने कहा पहले तो मुझे समझ में नहीं आई मेरे बाप को इस मशीनों से प्रॉब्लम क्या था, ठीक है ये ह्यूमैनिटी की बातें वगैरह तो ठीक है लेकिन प्रोग्रेस भी तो ह्यूमन की होनी है। वो जैकर लूम से इतनी इंप्रेस हुई, she thought a lot about it and she said to Charles Babbage, what she said to Charles Babbage was something which was the beginning of a new era. And what was that era? She said, can you design a mechanical machine such that iske andar kuch instructions aur
वो जनरल पर्पज इंस्ट्रक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखा एड ए एक्स, या मैं कहता हूँ एड ए एक्स बी एक्स, बल्कि मैं इसके ऊपर एक और बना दू फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह की चीज है, यहाँ पर मैं कहता हूँ मूव ए एक्स सिक्स मूव बी एक्स सेवन, और लेट्स से मैं कहता हूँ एड ए एक्स, और यहाँ लिख देता हूँ x, और यहाँ लिखता हूँ cx, बल्कि ये भी कर सकते हैं मूव cx, और यहाँ पर करता हूँ 10, और यहाँ पर ये कर देता हूँ। आप समझ रहे हैं ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ, ठीक है। उसने कहा कुछ इस तरह की, क्या तुम ऐसी इंस्ट्रक्शन बना सकते हो? वैसे बाय द वे इसको ये अंग्रेजी में भी नहीं थी, कुछ ये इस तरह की भी नहीं थी, लेकिन कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी जो उसने कहा कि कैन यू डू सम इलेक्ट्रॉनिक थिंग। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं थी, बेसिकली क्या था ये आपको जो ये वीडियो नजर नहीं आ रही थी, सुराख नहीं है सुराख, उसने कहा क्या इन सुराखों के पैटर्न को इनपुट में ये नहीं मिलेगा बल्कि सुराखों के पैटर्न मिलेंगे, सच दैट कि इस पैटर्न्स को वो आपका प्रोग्राम क्या करे, इन पैटर्न को समझे कि इसका मतलब बेसिकली ये है, इन सुराखों के पैटर्न का मतलब बेसिकली ये है, इन सुराखों के पैटर्न का मतलब बेसिकली ये है। कैन यू डिजाइन अ मशीन जो इन सुराखों के पैटर्न को एक जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैप कर, ठीक है। दिस वॉज द आइडिया ऑफ विच आफ्टर ए वाइल नेम्ड एज एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और मजेदार बात कि व्हाट शी डिड वाज एडा लवलेस ने बेसिकली इन सुराखों के पैटर्न जो इसने डिसाइड किए, और उसने कहा कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब अंग्रेजी में ये होगा, इसका मतलब अंग्रेजी में ये होगा, ये बेसिकली जो इसने काम किया, इसने बेसिकली पहली चीज बनाई जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें इन ये जो डॉट 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 फिल्ड डॉट वगैरह होते हैं इनके पैटर्न्स का मतलब कुछ होता है, ठीक है। और इसको यूज करते हुए इसने पहला अपना प्रोग्राम भी लिखा, ठीक है। और वो बेसिकली बाद में जब एनालिटिकल इंजन बना तो वो बेसिकली उसके अंदर उसी प्रोग्राम को कोड भी किया गया, ठीक है। सो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, दिस इज ए वेरी फेमस स्टोरी, ठीक है। इट्स कॉल्ड द इन्वेंशन ऑफ दो चीजें, invention of analytical engine and a programming language. Programming language, और हैरत की बात है जो अभी मैंने programming language आपको बताई है यहां पर जो एडा ने बनाई थी, ये नहीं थी वैसे, ये थी जो dots का pattern जो मैंने आपको यहां पर दिखाया भी है, ठीक है ना, ये जो dots का pattern, इन dots का मतलब हो सकता है, ठीक है। अभी तक तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं डॉट्स का पढ़ना, ये लोग पहले बकायदा इसी में कोड करते थे, ठीक है। इसको हम पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इसका मैं नाम भी बताऊंगा आपको इसको क्या कहते हैं। और हैरत की बात है, मैं आपको और मजेदार बात बताऊंगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी हम ऐसे ही कोड करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अच्छा, और जो पहला प्रोग्राम लिखा था, फर्स्ट प्रोग्राम That was also written by whom? Ada Lovelace. ठीक है? हालांकि हैरत की बात है, आजकल मशहूर है कि भाई लड़कियां जो है ना वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती। और मजेदार बात यह है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाली जो थी वो खातून थी। एक्चुअली लैंग्वेज का आइडिया देने वाली जो खातून थी वो खातून थी, Ada Lovelace थी। And she was just how old? 17 to 18 years old. And when she gave the idea to Charles Babbage, yeah, Charles ko jab usne ye idea diya, he was stunned and he realized how powerful it is. Aur usne phir baqaida government se aid li, wo pehli dafa uska pehla version ban gaya tha, dusra version wo bana nahi saka tha, wo uske marne ke 100 saal baad bana tha. Ab main aapko the important baat batata hu, theek hai। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अगर आपको ये सुने बात गौर से,
अगर ये एक मैं आपको कहूं ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, और प्रोग्राम ये है, जीरो जीरो फील्ड, जीरो फील्ड, जीरो जीरो फील्ड, जीरो जीरो जीरो, ये सारे ओपन है और कुछ फील्ड है, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं इसका मतलब है जीरो और इसका मतलब है वन, जो फील्ड होता है वो वन होता है, ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है आप सामने, ठीक है, और लेट्स से ये बड़ी जीरो और वन्स की पूरी स्ट्रीम हुई है, ठीक है, ठीक है, इसमें दो ही सिंबल है, एक को जीरो कहते हैं और एक को वन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला प्रोग्राम बेसिकली इस तरह लिखा गया था। अब एक बात बताओ, अगर कोई बंदा है जिसने ये प्रोग्राम लिखा है और ऑफ कोर्स एक मशीन है जिसमें इसको, इसमें इस प्रोग्राम को डाला जाता है, ठीक है, जो बेसिकली इस तरह जैकार्ड लूम जैसी थी, ये बेसिकली लेकिन ये रीडर आपको नजर आ रहा है, ये कोई रीडिंग की चीज नजर आ रही है, ये रीड करता था इसको कि भाई कौन कौन सी चीज इनेबल करनी है, जो जो इस सुराख में फिट हो जाता था वो वाली हुक जो होती थी ना वो चल रही थी। ये समझ में आ रही बात, मैंने क्या बात की है, प्लीज आप बोला बोला करें, ये जो 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 फील रखते हैं ना इसे, वो वाली हुक जो है ना पीछे पीछे चल रही थी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि ये बेसिकली एक मशीन होती थी जिसमें बेसिकली ये पैटर्न डाला जाता। अब एक बात बताओ, इसी ने एक पैटर्न बनाया, अब एक और लेट्स से ये ना रिमशा ने पैटर्न बनाया, ठीक है, अब एक और बंदा है जो हमारी क्लास का, ये आकिफ, ये आकिफ आया, आकिफ ने को कहा मैंने कैसे करो इसके पैटर्न को चेंज करो, ये ना एक फूल बना रहा है, गुलाब का फूल बना रहा है, अब इसको गोभी के फूल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब अगर आकिफ एक बात बताओ, अगर इसको चेंज करके इसमें कन्वर्ट करना हो तो तुम्हें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तो ड्रिल मशीन लेके पता नहीं क्या क्या चीजें इसकी चेंज करनी पड़ेगी, किस चीज को फिल करना पड़ेगा, तुम्हें तो लग पता जाएगा। आकिफ, डू यू अग्री? जी, कोई और बता सकता है? कोई और बता सकता है? यस सर, बात की है, सारा कोड पढ़ना, मुझे वो सारा कोड पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा पूरा कोड समझना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, पता नहीं क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, और ये इतना आसान नहीं है। डू यू अग्री कि इसको समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है? यस सर। सो द थिंग इज व्हाट हैपेंड वाज के कोई एक, ये मैं आप बता रहा हूँ कि तकरीबन इस बात को गुजरे हुए तकरीबन 150 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, इसके आईडी के ऊपर फिर मजीद कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। 150 ईयर्स ऑलमोस्ट के बाद एक बंदा आया, उसने कहा भाई ये तुम 100100 की फॉर्म में लिख रहे हो ना, ये अनएक्सेप्टेबल है, दिस इज स्टूपिड, आप इसको इस तरह लिख के इस पे चेंजेस करने को आपको कह दी जाए तो ये तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजेदार तरीका बताऊंगा, उसने कहा, उसने एक और मशीन बनाई, एंड इट वाज फैंटास्टिक, उसने कहा बेसिकली मैं आपको एक काम करता हूं, आप ऐसा करें, उसकी जो इनपुट थी ना वो ये थी, उसने कहा आप ऐसे लिखे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मूव ए टू, आपके ख्याल में इसका मतलब क्या, आप ये समझ लें कि ए बी सी जो थे ना वो बेसिकली कोई जगहों के नाम थे, वो होल्स नहीं होते, वो होल्स मैं बना रहा हूँ ना, उन होल्स के उसने नाम रख दिए, जितने एक तरह के होल्स है ना उनके बेसिकली उसने नाम रख दिए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, शाबाश, इसने कहा ए की वैल्यू 2 कर दो, तो बेसिकली इसका मतलब है इसकी जगह 2 आ जाएगा, इसने कहा मूव बी 2 या 12 कर देते, इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू 12 हो जाएगी, बी की वैल्यू 12 हो जाएगी, और अब उसने कहा ऐड, आप बताए ना सी ए बी, हुन दसो क्या किया, आपका सी में तो कोई वैल्यू नहीं है सर, क्या करें, स्टोर भी करना है तो इसीलिए बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14,
क्या बात है, ये तुम्हें समझ में आ गया? तुम लोगों को तो पहले ही चीजें समझ आई कि सी में क्यों स्टोर होगा, उधर लिखा तो नहीं हमने कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो है, ये जो तुमने कोड लिखा है, ये ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि या मैं अगर कहूं कि ये बेसिकली क्या है ये लिखा हुआ? सर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, मूव बी जी आप बताएं, आपके ख्याल में ये, मुझे बताएं अगर ये समझना ज्यादा आसान है या ये समझना ज्यादा आसान है? ऊपर वाला ऑफ कोर्स ये वाला समझना बहुत आसान है जी। अमार आप कुछ कह रहे हैं? सर मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था, प्लीज ये वाला वापस एक्सप्लेन कर देंगे? मैं फिर करता हूँ बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैंने कह रहा हूँ कि बेसिकली पहले जो लोग कोड करते थे वो इस लैंग्वेज में करते थे, 1000 का मतलब क्या है, और 1 का मतलब था कि ये बेसिकली इसका मतलब है करंट आ रहा है, 0 का मतलब था करंट नहीं आ रहा, या कुछ लोग उसको मैग्नेटिज्म से करते थे तो इसका मतलब है इसकी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, इसकी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, या उसको आप जैकार्ड लूप की तरह करें तो इसका मतलब 0 का मतलब है कि यहां पर बेसिकली वो फिट नहीं होगा, 1 का मतलब है ये उसकी हुक में फिट हो जाएगा और वहां से वो हुक ऑन हो जाएगी। बात समझ आ रही? पहले लोग इसमें कोड करते थे, अब उसने कहा नहीं आप ऐसा करें इसमें कोड करें। अब ये लैंग्वेज समझना ज्यादा आसान है, ये लैंग्वेज समझना ज्यादा आसान है, मुझे इसके बारे में बताएं, ये लैंग्वेज नंबर 1 है, ये लैंग्वेज नंबर 2 जी, बताएं मुझे किसमें ज्यादा आसान है? लैंग्वेज नंबर 2 ज्यादा इजी होगा। लैंग्वेज नंबर 2 ज्यादा आसान है क्योंकि वो कुछ मीनिंग बता रही है, यहां तो मुझे ये समझना 0-1 की फॉर्म में समझना एक निहायत ही मुश्किल था। डू यू एग्री विद दिस? जी सर। सो बेसिकली उसने अब कमाल काम किया, सुने बात गौर से, उसने कहा मैं ये देखिए मैं दोबारा बता, उसने कहा भाई ये देखो मैंने तुम्हारे सामने एक मशीन बना दी है, जो हैरत की बात है इस ये मशीन जो उसने बनाई वो 1001 एक मशीन बनाई जिसको इसी तरह की चीजें इसी में बनी हुई थी, इस लैंग्वेज में बनी हुई थी, लेकिन इसको इनपुट जो आप देते थे वो एक कागज पर लिख देते थे, कागज पर नहीं बेसिकली इसका नाम होता था कुछ बेसिकली, और लिख इंस्ट्रक्शन ऐसी होती थी move A2 move B3 और यहाँ है एड CAB और इस तरह आपकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी जो कि आप इस तरह लिख रहे, ये आप इसमें देते थे इनपुट, ये करता था ये इसको कन्वर्ट कर देता था किसके अंदर, जीरोस एंड वंस की स्ट्रिंग, ठीक है ये बात सुनाई, और ये जाकर कहां चलती थी, ये उस मशीन के ऊपर चलती थी, क्योंकि मशीन जो मैंने लिखी हुई है ये जो मशीन है इसको ये जबान समझ नहीं आती, इसको ये जबान समझ नहीं आती, मशीन जो है ये मैंने मशीन कंप्यूटर मशीन जो बेसिकली वो जो उन्होंने बनाई, इनको सिर्फ समझ में क्या आता है, इसको सिर्फ ये समझ में आता है करंट आ रहा है करंट नहीं आ रहा, ये बात सुनाई? ये जो लैंग्वेज जो कि पहले शुरू शुरू में बनी थी इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ये आज भी वैसी की वैसी है, ठीक है। मशीन जो है जो आपका कंप्यूटर है, हैरत की बात यह है उसको आज भी सिर्फ और सिर्फ ये जबान समझ सकता है और कुछ समझ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इसी जबान में बनाया एक और सॉफ्टवेयर बना दिया, हार्डवेयर बना दिया जो बेसिकली क्या करता है, इनपुट लेता है एक इसमें लिखी हुई चीज जो कि हमारा नोटपैड होगा या विजुअल स्टूडियो होगा, हम बेसिकली इसमें इस जबान में लिखी हुई चीज बनाएंगे जो कि बेसिकली क्या करेगा इसमें कन्वर्ट करेगा, और ये बात समझ, इस पहली लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी इसे कहते हैं असेंबली और ये बहुत बड़ा जंप था क्योंकि इस जंप ने दुनिया ही बदल दी। तुम देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां से यहां तक आने में पता कितने दिन लगे हैं, एक ग्रेटर देन 150 ईयर्स लगे हैं, ग्रेटर देन 150 ईयर्स, यानी ये मैं बात कर रहा हूं अराउंड 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 तकरीबन 1960s की बात कर, 1670s की बात, और आप देखो लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा देखो जी ठीक है ये मशीन जो है इसको तो सिर्फ ये जीरोस एंड वन्स ही समझ में आता है, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है ये एक चीज है जिस पे आपने बेसिकली क्या लिख दिया था, ये बेसिकली
ये एक असेंबलर है, ठीक है, ये असेंबलर है, इसको इनपुट क्या मिलती है, इसको इनपुट मिलती है वो जैसे वो जो मूव इंस्ट्रक्शन थी उस तरह की, ठीक है, राइट। उन्होंने कहा मैं काम करते हैं, एक और चीज बना देते हैं। उन्होंने एक और डब्बा बनाया और उन्होंने कहा सर इसको साइड करो। इन्होंने कहा एक और बनाते हैं जो कि बेसिकली इस असेंबलर में बना हुआ था, और उसने कहा हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा इंटरप्रेटर बनाते हैं जिसमें इनपुट पता कैसे जाएगी, ऐसे आया आया देखना मैं ये लिखता हूं, सुने बात और से, याद है हमने क्या लिखा था, ए में टू रखा था, बी में एम रखा था, और सी में क्या रखा था, सी में कुछ नहीं रखा था, बी में 12 रखा था, बी में 12 चलो 12 रख लेते, ठीक है। तो देखिए अब उसने कहा कि हम ऐसे करते हैं एक और इंटरप्रेटर बनाते हैं जो बेसिकली क्या करेगा, जिसमें आप इस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2+ आया 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 समझ में आ रही है। आप बताएं ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है, ये वाले टी इक्वल टू 2+12 यस ये ज्यादा आसान है। तो बेसिकली ये जो हमने बनाया है, ये बेसिकली फिर उन्होंने दुनिया में पता नहीं कैसी कैसी ऐसी कमाल लैंग्वेजेस बना दी हैं कि यू विल बी सरप्राइज, के बेसिकली उन्होंने इसके पीछे और भी लेयर बना दी। तो बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्वेंट होना शुरू हो गई जो कि बेसिकली क्या करता, इसको इसमें कन्वर्ट करता, इसको इसमें कन्वर्ट करता, फिर ये जाके मशीन पे चलता। तो वैसे नहीं, आज हम आपको जो काम हमने जहां से कंप्यूटर के काम करना शुरू किया है, हम बेसिकली यहां पे शुरू करेंगे जो बेसिकली C++ लैंग्वेज है, ये इसमें कन्वर्ट होती है, इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और असेंबली से फिर ये कहां से कन्वर्ट होती है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। मैं आपको ये दिखाऊंगा आज, और मैं आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम जो होगा वो कहां चलेगा, वो हमारा बेसिकली ये वाला प्रोग्राम जो है वो इसमें चलेगा, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल, ठीक हो गया, Everybody understand? Yes, sir. ठीक है, ये सफर आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, because ये बहुत important सफर है, ठीक है। चले जी अब हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। चले जी अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये मैंने यहां से इसको बंद कर दिया और अब मैं बेसिकली जा रहा हूँ Visual Studio चलाने, इसको स्लैक को फिलहाल बंद कर देते हैं, ओके यहाँ पे गए, ऑल राइट जी मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने व्यू स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, मैं व्यू स्टूडियो 2019 को चला, ठीक है, ये थोड़ी देर में चलेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अच्छा पहली दफा जब आप चलाएंगे तो वो ना आपको ऑप्शन देगा, आई होप कि मुझे यहाँ पे ये दो बार ऑप्शन दी, अच्छा मैंने ये दूसरी दफा चलाया तो मुझे इसने ऑप्शन नहीं दी, वरना ये पहली दफा जब ऑप्शन आता है तो वो कहता है आपने अपने आपको रजिस्टर करवाना है या स्टार्ट करना विदाउट रजिस्टरिंग, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। सबको समझ में आई मैंने क्या बात की, जी सर। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी जिसमें रजिस्टर की, उसमें आप अपने क्रिएट न्यू अकाउंट करें, अपना जीमेल आईडी देके उसको रजिस्टर करवा लें, ठीक है, तो और वो फिर ये फिर विंडो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आपने आना है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, ये आपको नजर आ रहा है, ये जहाँ पे सर्कल नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है क्रिएट ए न्यू, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने करना है एम्प्टी प्रोजेक्ट, ठीक है, और एम्प्टी प्रोजेक्ट में आपने नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे आपने इसका नाम रखना है, हम कहते हैं डे टू आईटीपी, ठीक है, आईटीपी इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट, ठीक है, कैसे करते हैं, इसे करते हैं week 1 day 2 आईटीपी, ठीक है, बल्कि नहीं आईटीपी को हम पहले करें, हमारी ये कन्वेंशन है ITP-week1-day2, ठीक है, इसको हमने कर दिया क्रिएट, ये जब क्रिएट करेगा थोड़ी देर लेगा ये, और मेरा कंप्यूटर बहुत ही फास्ट है तो थोड़ा सा ये टाइम ज्यादा ले लेता है, वेट फॉर ए व्हाइल, सो ये आपके सामने नजर आ रहा है। Sir, should we also be doing this with you? नहीं, आपने वीडियो देख लेनी है, वीडियो पे साथ साथ करते जाना, ठीक है, वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको दरमियान में सारा कुछ नजर आ रहा है, अभी तक सारी चीजें आपको देख घबराने की जरूरत नहीं है, शुरू में जब भी आप एक नई आईडी पे काम करना शुरू करते हैं तो आपको शुरू में कुछ चीजें ऐसी लगती हैं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है।
आप यहाँ पर आए राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे आपको ये ITP W1 Day 2 नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पे सेव है मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ सर। जी जी बताएं, दोबारा बताएं, सॉरी, ये बेसिकली कहाँ सेव है जब मैंने जब दूसरों के प्लेस सॉल्यूशन हाँ, ये सॉल्यूशन क्या चीज है, ये बेसिकली C++ ये जो आपका व्यू स्टूडियो है, ये इसमें जब एक प्रोजेक्ट बनता है उसको सॉल्यूशन कहता है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम के लिए प्रोजेक्ट बनाया होता है ना, उसको कहते हैं ये सॉल्यूशन, ठीक है सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि सॉल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट को एक ही डायरेक्टरी में रखना है या नहीं रखना है। एक ही डायरेक्टरी मतलब मैं दोबारा बना लेता हूं, ये मैंने दोबारा से मैंने सर इससे पिछला जो पेज जो था इसका हमने प्रोजेक्ट नेम दिया है, आप वो कोई भी पाथ दे सकते हैं, इसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था। हां कोई भी, आप कोई भी पाथ दे दें, बेहतर होगा कि आपने डी में कोई प्रोजेक्ट का पाथ दीजिएगा ताकि वो वहां पे सेव हो जाए। मैं ना दोबारा बना लेता हूं प्लीज ये ओके ओके मैं लेट मी मेक इट अगेन ठीक है सर, सॉरी आई एम मैं एक छोटी सी चीज मिस कर गया बताने के लिए, सो लेट मी अगेन मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ ये एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाएगा और नेक्स्ट करके यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ये लोकेशन क्या है, आप जिस जगह कहेंगे वहां पे आपको सेव कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं जाता हूँ कि ये इस जगह सेव ना हो बल्कि मैं विंडोज में जाके मैं यहाँ पे ई में जाता हूँ और ई में जाके बेसिकली मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ था एयर स्कूल, इसमें ये ITP है, इसमें मैं यहाँ पे लेकर बना देता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ कोर्स, ठीक है। और यहाँ ये कोर्स का फोल्डर हो गया और यहाँ मैं जाकर लिख देता हूँ प्रोजेक्ट वन, इसके जाके नाम रखता हूँ क्या था हमने रखा था ITP-week1 और यहाँ रखता था डे, ठीक है। प्लीज सी में ना रखिएगा क्योंकि कभी भी किसी दिन आपकी विंडोज अगर उड़ जाए तो वो सारा डेटा फिर उड़ जाता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने यहाँ पे कोई डी या ई में कोई बात देना, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट बन गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, मैं राइट क्लिक करके अगर मैं ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, ये नजर आ रहा है आपको, ये अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो इस जगह जाके बताए, ठीक है, ई के अंदर, एयर स्कूल के अंदर, ITP के अंदर, कोड्स के अंदर, ये वाला, ठीक है। यहीं पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं दोबारा ऑल्ट टैब करूंगा, वापस आ जाऊंगा यहाँ आके, मैं राइट क्लिक करूंगा, एड में जाऊंगा, करके ऐड करना है और यहाँ पे करना है न्यू आइटम, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया, उस बिल्कुल सॉल्यूशन के जस्ट नीचे जो प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे किया, यहाँ पर ऐड पे गए, ऐड में न्यू आइटम किया, यहाँ पर वो पूछेगा कि मैं नई फाइल ऐड करना चाहता हूँ, उसका नाम उसने रख दिया source.cpp, फिलहाल बेशक नाम इसका चेंज ना करें, ठीक है। ये आपको एक सोर्स फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा प्लीज। अच्छा मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अब आप जब आपको याद है ना, आप किसी पहली क्लास में जाते हैं तो आपको अलिफ बे पे पढ़ाई जाती है ना। यस सर। तो उसका कोई मतलब होता है, उसका कोई मतलब होता है, आप मैंने कोई पूछता है ये अलिफ बे पे क्यों पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि बेसिकली आपको थोड़ा टाइम लेते हैं समझने, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आप तो कुछ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है जो कि फिलहाल आपको वैसे समझने होंगे, थोड़े दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या कर। तो यहाँ पर मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूँ, ये आपने भी वैसे ही लिखनी है, यहाँ पर लिखना है हैश और यहाँ लिखना है इंक्लूड और यहाँ लिखना है आयोस्ट्री, ठीक है। यहाँ लिखना है यूजिंग, यहाँ लिखना है नेम स्पेस और यहाँ लिखना है एसटीडी और यहाँ लिखना है सेमीकोलन और यहाँ लिखना है इंट मेन और यहाँ लिखना है ये और ये लिखना है रिटर्न जीरो, ठीक है। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइनें लिखी हैं, 8 लाइनें लिखी हैं, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसी की ऐसी लिखी, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये आप मुझसे फिलहाल नहीं पूछेंगे, ये बेसिकली आपका पहला प्रोग्राम है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लिखा मैंने हालांकि ये सारी लाइनें लिखी हुई है लेकिन इसको आप कहेंगे कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि ये लाइन नंबर 6 है ना, ये वो लाइन है जो कि पहली आप लिखी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या। अब ना C++ में, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर बेसिकली मैं अब आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं और वो इंस्ट्रक्शन ये है, यहां मैं लिखता हूं सी आउट और यहां मैं लिखता हूं लेट्स से डबल कोट और यहां लिखता हूं मैं हेलो, ठीक है, और यहां लिखता हूं डॉट 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 हेलो ITP,
क्लास, ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं जाके सेमीकोलन। अच्छा मैं एक छोटी सी बातें बता दूं आपको, सी प्लस प्लस के अंदर हर लाइन के लिखने के बाद सेमीकोलन डालना लाजमी है, ठीक है। जैसे यहां मैंने सेमीकोलन डाला है, अब आप कहेंगे यहां पर क्यों नहीं डाला, यहां पर नहीं डालते, ठीक है। और इस तरह ये जो इंट मेन है इधर भी आपने सेमीकोलन नहीं डाला, ठीक है। अच्छा ये इंट मेन क्या चीज है, ये बेसिकली आप सिर्फ ये समझें, इंट मेन वो पोर्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम चलता है, और रिटर्न जीरो फिलहाल सिर्फ ये है कि यहां पर आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे ना, ये लिखा मैंने हाईलाइट हुआ हुआ, ये वो एरिया है जो बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। ये बात समझ आ गई, ये वो प्रोग्राम है जो कि बेसिकली कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और एक और मजे की बात, जब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारी एक और स्क्रीन आएगी, इसे कहते हैं आउटपुट स्क्रीन। क्या कहते हैं? आउटपुट स्क्रीन। उस पे बेसिकली ये जो इसके अंदर डबल कोट के अंदर लिखा हुआ जो भी मैसेज है वो जाकर आउटपुट कर देगा। क्या लिखा हुआ आएगा वहां पे कंसोल स्क्रीन के ऊपर? बेसिकली ये लिखा हुआ आएगा हेलो, और यहां लिखा हुआ आईटीपी क्लास। मैं अभी आपको दिखाता हूं क्या। अच्छा आप सुने बात, मैंने बेसिकली जो लिखा है ना वो ये लिखा है, ठीक है। अब सुने बात गौर से, मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, और वो ये है कि अभी मैंने ये लाइन लिखी है, मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं उसी फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब एक और फाइल बन चुकी है जिसका नाम है source.cpp, ठीक हो गया, ठीक है। आप एक बात सुने, मैं यहाँ पे जा रहा हूं, उसको कहता हूँ बिल्ड, ये जो बिल्ड के ऊपर ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन है बिल्ड सोल्यूशन। अच्छा बिल्ड सोल्यूशन क्या होता है? आपको याद है मैंने ये तस्वीर बनाई थी, ये तस्वीर क्या कह रही थी बताएं मुझे, ये तस्वीर क्या कह रही थी कि मैंने इसके अंदर प्रोग्राम लिखा है, इसको मैं C++ कहता हूं। ये जो पूरा प्रोसेस है जो क्या करेगा, इस लिखे हुए प्रोग्राम को जो कि मैंने लिखा हुआ है source.cpp, इसे कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन .exe में कन्वर्ट करेगा। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस यहां पर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं बिल्डिंग, ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर में इसको बिल्ड कहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में इसे कंपाइल कहते हैं, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर में कंपाइल एंड लिंक कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बिल्ड का मतलब बेसिकली ये है कि आपने क्या करना है, बेसिकली इस सीपीपी कोड को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, .exe के अंदर। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि मैं बिल्ड पे क्लिक करूंगा तो ये कोड ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, .exe में कन्वर्ट। ये देखिए मैं यहां गया, मैं यहां पे बिल्ड पे गया, यहां पे मैंने बिल्ड सॉल्यूशन किया, ये कहेगा बिल्ड, ये देखो यहां पर, ये देखो ये बिल्डिंग कर रहा है, यहां पे मैसेज दे रहा है, ये आउटपुट का मतलब है, ये कह रहा है कुछ source.cpp को इसने क्या किया, ये देखें अभी आएगा थोड़ा सा मैसेज आएगा, ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है बता सकते हैं आप, one succeeded zero failed one succeeded zero skip, और ये देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये सबसे मजेदार बात है, ये देखें इधर वो executable file store हुई है, बन ये वो जगह है जहां पर एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई हुई है। मैं आपको दिखाता हूं ये कहां बनी हुई है, ये यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां से कॉपी नहीं करता, मैं यहां पे दोबारा से उसी फोल्डर में जाता हूं जहां मेरा ये पड़ा हुआ है। यहां पर देखें एक डीबग का फोल्डर बन गया हुआ है, और इस डीबग फोल्डर के अंदर मैं आऊंगा तो देखें यहां पर ये एक और भी बहुत सारी फाइलें बनी हुई है। ये पता है कौन सी फाइलें हैं, ये वो फाइलें हैं जो बेसिकली ये जो लेवल्स है ना यहाँ पे, जो कि बेसिकली हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है जो किसमें कन्वर्ट हुई है, ये बेसिकली हमारी सीपीपी को उसने उसमें कन्वर्ट किया। इसको मैं अगर चलाऊ ना तो देखने कैसे चलती है, ये देखो चलाया, ये देखो क्या हुआ, गौर से देखो, गौर से देखो, ये चलते ही बंद हो गई। Can anybody tell me the reason why? क्योंकि सर आपने सिस्टम पॉज नहीं लगाया हुआ तो हमारा प्रोग्राम रुक गया। मैं ऐसा नहीं बताता, उसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी, वो इतनी तेजी से एग्जीक्यूट हुई कि एग्जीक्यूट होने के बाद खत्म हो गई।
अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं ना ये विंडो दबा के विंडो आर दबा दो, आर भी नहीं, विंडोज आर दबाए ना तो ये आ जाता है ओपन। इसमें जाके लिखता हूँ सीएमडी, जिससे कमांड, ठीक है। तो कमांड में जाके मैं काम करता हूँ, ये देखें, मैं जाके इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठा के ना यहां से यहां पे टेक देता हूँ, तो कहता है मैं इस फाइल को चलाना नहीं, ठीक है। आप देखना, मैं एंटर दबाऊंगा, देखना क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, देखना क्या लिखा हुआ है, आउटपुट आ गया हमारे प्रोग्राम की। ये आउटपुट आ गया हमारे प्रोग्राम की, ये वो प्रोग्राम है जो कि बेसिकली एग्जीक्यूट हुआ है, और जो हमने उसे लिखने को कहा वो वाला उसने उस आउटपुट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ भाई, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया, बाबा एग्जीक्यूट होकर खत्म भी हो गया, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, इसको चेंज करते हैं दोबारा से, ये देखेंगे मैं इसको चेंज करता हूँ, हेलो आई टी पी क्लास नहीं लिखता, बल्कि मैं जाके लिखता हूँ हेलो हेलो फातिमा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, मैं दोबारा गया वहां पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाके इसे उठाया और कंसोल पे जाके यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा, मैं एंटर दबाऊं तो वहां पे, अब मैंने कोड में चेंजेस कर दिए ना, हेलो फातिमा लिखा हुआ है ना, अब मैं इसे एंटर दबाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ चाहिए, हेलो फातिमा, हेलो फातिमा आना चाहिए। देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलो आईटीपी क्लास, वही लिखा हुआ आ रहा है जो पहले लिखा हुआ आ रहा, क्या गलती हुई है बताएं। सर आपने सेव नहीं किया था प्रोग्राम, सेव तो किया था मैंने, कंट्रोल एस दबाया था, इसको दोबारा बिल्ड नहीं किया, बिल्ड नहीं किया था दोबारा, जबरदस्त, उसको हमने बिल्ड किया था। तो अब मैं बिल्ड में जाऊंगा, बिल्ड सॉल्यूशन करूंगा, तो बेसिकली ये दोबारा बिल्डिंग करेगा और ये पुरानी वाली एग्जीक्यूटेबल पे ये वाली नई एग्जीक्यूटेबल रिप्लेस हो जाएगी। अब मैं वापस जाता हूँ, यहां जाके इस exe को उठाता हूं और मैं ऑल टैब करके वहां ले जाके यहां पे जाके छोड़ देता हूं, और अब यहां जाके मैं एंटर दबाऊंगा, देखिए जी हेलो फातिमा लिखा हुआ आ रहा, लिखा हुआ जी, जी सर, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्या बार बार कंसोल पे जाके उसको उसकी फाइल उठा के एग्जीक्यूटेबल उठा के यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करो। इस रियल स्टूडियो की कमाल बात यह है कि इसने एक फैसिलिटी दी हुई है कि जिसे कहते हैं बिल्ड डीबग में जाके, जिसे कहते हैं Start without debugging, Control F5. Build को कहते हैं Control Shift D. ये इसकी shortcut keys लिखी हुई है, याद करके चलने पर अच्छी बात होती है। और debug में जाएंगे तो कहते हैं Start without debugging. With debugging भी चीज होती है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले Control F5 करते हैं। ये क्या होता है without debugging? अब ये इसका मतलब क्या है? मैं अगर इसे चलाऊंगा ना तो Control F5 दबाऊंगा तो देखना ये यहीं पर ही execute होगा। क्या किया देख सकते हैं, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा करता हूं ताकि आपको बड़ा बड़ा नजर आए। ये देखिए, ये यहीं पर इसने दिखा दिया कि ये लिखा हुआ है, ये ना इसका अपना कंसोल है, आप इसी के अंदर इसको देख सकते हैं। ये फिर बाद में ये मैसेज दिखाता है रिफ्रेश करने की तो कंटिन्यू, इतनी देर लगी है इसको कंप्यूटर वो करने में, एग्जिट विद एग्जिट जीरो वगैरह, इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर जो मैसेज लिखेंगे वो मैसेज लिखा जाएगा, ठीक है। सो कोई और लिखाना चाहते हैं बताएं जी, मजेदार बात, अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल F5 दबा दूं तो वो बिल्ड भी कर देगा और तो बिल्ड करने की कंट्रोल F5 का मतलब खुद ब खुद बिल्ड करके एग्जीक्यूट कर, तो ये शॉर्टकट है। जब मैं कहता हूँ ना स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कंट्रोल F5, तो ये बिल्ड भी कर देता है और एग्जीक्यूट भी कर देता है। ये देख कंट्रोल F5, ठीक है, ये देखें ये दोबारा बिल्डिंग भी कर रहा है और बिल्डिंग करते के साथ इसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, यहाँ पर दिखा देगा हेलो। ये बात समझ आ गई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये सात पांच स्टोर सेव भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, ये सबसे कमाल बात। तो शॉर्टकट में बहुत सारे हैं, इसीलिए हमने व्यू स्टूडियो यूज किया है ताकि हम ये अजाब से बच जाए कि फलानी चीज उठा के मारो, फलानी चीज उठा के मारो। सबको समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको मजेदार बात बताऊं, अगर ये जो मैंने सी आउट का मतलब होता है कि ये जो काली स्क्रीन है उस पर जाके लिखो, और इसके फौरन बाद आपको ये लेस देन लिखना पड़ता है, और ये जो भी आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे ना वो एज इट इज जाके लिखेंगे, वो जिसके इसके अंदर जो भी मैसेज होगा वो मैसेज जाके बाहर जाके आउटपुट होता है। ये बात सबको समझ में आ गई?
इसमें आप जो भी लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो जाकर एज इट इज जाकर आउटपुट कर देगा, ठीक है। अच्छा एक और बात सुने, अगर मैंने एक और लाइन आउटपुट कर दी, फॉर एग्जाम्पल हेलो अमार मैं कह देता हूँ, हेलो मैं लेट से यहाँ पे निमरा भी कह देता हूँ जो हमारी टी ए है, ठीक है। और फिर मैं एक और कह देता हूँ हेलो मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ, फिर मैं अमार का नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आत्मा का नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं सारा का नाम लिख देता हूँ, सारा हमारी एक और टी ए है, आत्मा एक और स्टूडेंट है, और एंड सो ऑन। अब देखिए आप बताएं क्या आउटपुट होगी, आप बताएं आप ख्याल में क्या आउटपुट होगी, प्लीज वो जिसको पता है वो ना बताए, जिसको नहीं पता वो बताने की कोशिश करें, ठीक है। आप ख्याल में क्या आउटपुट होगा सर, ये सेपरेटली सेपरेटली आएंगे सारे, हेलो मार नहीं नहीं, ये पहले लिखेगा एक ही लाइन में आ जाएंगे, ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, हेलो अमार उसके साथ ही हेलो निमरा, फिर आएगा हेलो सरफराज, ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये देखिए ये कंट्रोल F5 दबाया मैंने, और ये देखिए जी ये लिखा हुआ आ गया, ये सारा का सारा एक ही लाइन में लिखा हुआ, हमने तो इसको नई लाइन पे दिखाना था, है ना, हम चाहते थे कि ये नई लाइन पे आए। अब नई लाइन पे दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इसके फौरन ये जो कोड जहां खत्म हुआ है ना, इसके फौरन बाद यहां पे लिख सकते हैं हम सी आउट, यहां पे लिख देते हैं सी आउट एंड एल। अच्छा एंड एल का मतलब क्या होता है, एंड एल का मतलब होता है बेसिकली कि मैंने नई लाइन पे जाके लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या होगा, आप बताएं आप क्या अपने ख्याल में आउटपुट क्या होगा, एंड एल का मतलब है वो नई लाइन पे चला जाता है, उसका वो निचली वाली लाइन पे चला जाता है। हाँ जी बताएं, सिर्फ हेलो अमार उधर आया, बाकी सारे के सारे नीचे आ गए, ठीक है ना। अब ये देखिए जी, अगर मैंने सबके साथ यू लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे भी आगे ये कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल, अच्छा मैंने यहाँ पे गया, यहाँ जाके मैंने शिफ्ट होम दबाया, शिफ्ट होम होती है की, सो देखिए यहाँ जाके आप शिफ्ट होम प्रेस करेंगे ना किसी भी जगह पे जाके, ये देखिए ये तो बेसिकली ये, और फिर कंट्रोल सी दबाएं तो कॉपी हो जाता है, और मैं यहाँ जाके एंटर दबा के कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो बेसिकली ये सारा सिलेक्ट होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैं यहाँ एवे एंडल दो दोबारा, ताकि वो दरमियान मैसेजेस डिस्प्ले करने के बाद वो नीचे चलता है, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोल F5 दबाया, आप देखना लिखा होगा, ये देखिए क्या बात है जी, क्लैपिंग क्लैपिंग। शिफ्ट होम जो है ना, वो जिस जगह पे आप होते हैं वहां से लेकर बिगिनिंग ऑफ द लाइन तक सारा कॉपी कर लेता है, सारा कॉपी नहीं सारा सेलेक्ट कर लेता है, फिर आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, फिर जहां पे जाके पेस्ट करना है वहां जाके कंट्रोल वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। डोंट वरी, आपको जाके एक तरीका है कि मैं जगह जगह जाके लिखता, एक तरीका यह है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लाइन यहां से कॉपी करनी है ना, तो मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे जाके मैं शिफ्ट एंड करूंगा, शिफ्ट प्लस एंड, आप एरो अपने कीबोर्ड पर जाएं देखें एंड लिखा आगे, एंड और होम आपको नजर आएंगे ऊपर नंबर्स के पास पास। जी सर, अगर आप किसी भी लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं ना, अगर आप शिफ्ट होम दबाएंगे तो वहां से शुरू की लाइन तक जो है ना वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप शुरू में खड़े हुए और मैं शिफ्ट एंड दबाऊंगा तो वो एंड तक सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप खेलेंगे आपको पता लगेगा क्या चीज है, ठीक है। अच्छा जी अब आ जाए जी एक और मजेदार बात, ये ना मैंने इतनी सारा मुझे एंडल जो है वो जगह जगह जाके करना पड़ा, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ इसको दोबारा से, अच्छा आप एक बात सुने, ये जो मैंने अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है ना, इसको मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट कैसे किया, शिफ्ट प्रेस करे रखा और डाउन एरो करते जाऊंगा तो ये सारा सिलेक्ट होता है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और एक और बात सुने, ये एक ऑप्शन होती है जिसे कहते हैं राइट क्लिक करें, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगी जिसे कहते हैं, ओहो यहाँ तो आई नहीं ना, आउटलाइन में आएगा, ओहो मन वो कमेंट करने का क्या होता है, कंट्रोल के सी होता है लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा। अच्छा एक मिनट व्यू में जाके देखें, यहाँ पे कोई कमेंट लिखा हुआ कहीं, कंट्रोल के नहीं लिखा, एडिट में भी ऑप्शन नहीं आ रही,
हाँ ये रहा, ये रहा, ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ कमेंट सेक्शन। कमेंट का मतलब अच्छा क्या होता है, सुने बात गौर से। जब मैं किसी भी पीस ऑफ कोड को चाहता हूं कि वो कोड मेरा कमेंट हो जाए, कमेंट का मतलब होता है ये देखिए, आखिरी लाइन को बेशक आप कमेंट ना करें, इसका मतलब होता है कि ये जो पीस ऑफ कोड है ना, ये मेरा आपकी ठीक है इस फाइल में लिखा हुआ है, लेकिन जब तुम ये जो प्रोसेस करते हो ना, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या ना करना, इन लाइनों को ट्रांसलेट नहीं करना, इसमें समझ आई बात। तो जिन लाइनों के पीछे अगर मैंने ये बैक स्लैश डाल दिया ना, इसका मतलब है ये वो लाइनें हैं जो ट्रांसलेट नहीं होंगी अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल। सब कुछ समझ में आ गई बात? जो कि आप डिलीट नहीं करना चाहते रह रहे हैं सही, लेकिन अभी तक ठीक है। आप एक और सुने बात, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट हेलो, ठीक है। एक और मुझे अगर मैं इस कोड खत्म होने के फौरन बाद ये दोबारा से लेस देन लिख दूं और यहां पे जाके एंड एल लिख दूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि पहले वो ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, पहले वो ये एग्जीक्यूट करेगा और इसी जगह पर तो मैं आपको बताता हूं, इसी जगह पर दोबारा से सी आउट लिख देगा, तो यह बन जाएगा सी आउट एंड एल। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक ही लाइन पर हेलो प्रिंट करने के बाद नई लाइन पे आ जाएगा। सो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं हेलो भी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अमान लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ हाँ जी अमान, और यहाँ लिख देता हूँ अमानुल्लाह, और यहाँ लिख देता हूँ एडेल, और यहाँ लिख देता हूँ गुड बाय। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब मैं एक मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे मैसेजेस डिस्प्ले कर रहा हूं और एक ही लाइन पे मैंने लिख दी। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हेलो एंडेल, एंडेल का मतलब है नई लाइन पे आ जाओ, फिर अमान, फिर उल्ला, और फिर एंडेल, और फिर गुड बाय। आप बता सकते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी? ये मैं कमेंट लिख रहा हूं, बताया आउटपुट क्या होनी चाहिए, न्यू लाइन आएगी, फिर अमान आएगा, फिर अमानुल्लाह आएगा, फिर नई लाइन आएगी, फिर गुड गुड बाय आएगा, ठीक है, डॉट 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 आएगा, ठीक। सो लेट्स कंट्रोल F5, ये हेलो अमानुल्लाह गुड बाय, डज इट मेक सेंस? Does it make sense? Yes, sir. ठीक है, अमान ये कोई चैट का कोई मैसेज कर रहा है, वो देखते हो। Okay, ठीक, thank you. अच्छा, everybody understand this? Everybody yes, understand this? तो अब आपने एक काम करना है, इसके साथ जितना मर्जी खेलें, आपकी मर्जी है, ठीक है? अच्छा, अब मैं let me give me 10 minutes and then I will take it. अच्छा, एक मुझे और बात बता दें, ठीक है? All right. I'm sorry, हम थोड़ा सा आज अच्छा किसी ने मुझे कहा था कि ब्रेक लेनी है, and I forgot कि हमने ब्रेक लेनी थी, तो लेकिन हमारा 20 मिनट रह गया, हम ब्रेक नहीं ले सकते, so sorry, हमें नेक्स्ट क्लास में I will try my best कि हम ब्रेक लें, लेकिन अभी मैं आगे चल रहा हूँ, so I'm sorry for that, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं किसी को? या वी कैन टेक ब्रेक, कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें, नो सर, यू कैन कंटिन्यू, ऑलराइट, सो नाउ लुक एट दिस। अच्छा, ये मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है, अब आप अज्यूम करें कि ये हमारा कोड नहीं है, ठीक है, मैं यहीं पर रिटर्न 0 लिख देता हूँ, ठीक है। चाहे एक बात सुन, अभी तक हमने बड़ा ही अन इंटरेस्टिंग सा काम किया, जो भी हम लिखने को कहते हैं वो जाकर आउटपुट कर देता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, C++ ये सिर्फ मैसेजेस डिस्प्ले का काम थोड़ी है, हमें C++ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दी है, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूं ना, ये कर दो, क्या आउटपुट करेगा? बोलो जिन आईसीएस किया वो प्लीज ना बोले,
सर ये मल्टीप्लाई करेगा 12 को 2 से 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा इस जगह पे 24 रिप्लेस करेगा और सी आउट कर देगा क्या 24 सी आउट कर देगा सर 24 सी आउट कर देगा लेट मी शो इट टू यू ये देखिए कंट्रोल F5 देखना क्या आउटपुट आती है क्या आउटपुट आई है 24 अच्छा अब मैं एक और चीज देखता हूं ये देखिए अगर मैं ये लिख दूं सुने बात गौर से 12 into 2 आप बता सकते हैं आप कि क्या आउटपुट करेगा सर ये एज इट इज प्रिंट करेगा 12 into 2 = एज इज आएगा फिर 24 आ जाएगा एग्जैक्टली जो मजेदार बात है वो ये कि डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट होगा वो एज इट इज आउटपुट होगा ठीक है ना जिसका मतलब है कि ये बेसिकली आउटपुट करेगा 12 into 2 = 12 into 2 सो बेसिकली ये आ गया ये देखिए जी 12 into 2 = 24 लिखा आ गया क्या बात है अच्छा बाय द वे ये मैंने अगर एज इट इज ही आउटपुट करना है तो मैं स्टार क्यों लिखूं मैं क्रॉस लिख देता हूं यानी एक्स लिख देता हूं ताकि वो मुझे अच्छी तरह तो नजर आए ना ठीक है राइट ये देखिए 12 into 2 = 24 लिखा हुआ आ गया ठीक है ना नाउ इट इज लुक नाइस है ना एक बात बता दूं आपको आप जो चीज बना रहे हैं ना जो ब्लैक स्क्रीन है फिलहाल ये जो ब्लैक स्क्रीन में आप जो चीज बनाते हैं ना आप बेसिकली इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है ना ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आपका बेसिकली क्लाइंट को आपने देनी होती है आप ये जो आपने कोड लिखा है ना ये आप कभी भी क्लाइंट को नहीं देते आप क्लाइंट को क्या देते हैं ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी होती है जो कहां पड़ी होती है डीबग फोल्डर में ये बनी हुई है ठीक है अब मैं यहां कैसे गया था मैं यहां व्यू स्टूडियो पे गया था यहां जाके मैंने राइट क्लिक किया राइट क्लिक करके मैं ओपन फोल्डर में गया यहां जाके बेसिकली मुझे डीबग फोल्डर के अंदर ये चीज नजर आई थी ठीक है सो फार सो गुड एवरीबॉडी इज विद मी जी सर ठीक है ऑल राइट जी यहां पर अच्छा जी अब हमने एक बड़ा मजेदार काम कर रहे हैं और वो मजेदार काम ये है और सारे मेरे साथ रहे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मैं चाहता क्या हूं सुने बात और मैं चाहता यह हूं कि यहां पे 13 का पहाड़ा प्रिंट करें ठीक है तो 13 का पहाड़ा प्रिंट करें बताएं जी कैसे लिखें सॉरी आपने क्या बोले किसका पहाड़ 13 का टेबल प्रिंट करना किसी को आता 13 का टेबल मुझे तो नहीं आता कौन है मैथमेटिशियन जिसको 13 का पहाड़ आता है भाई कोई बोल दे कौन माही का लाल है जिसको 13 का पहाड़ आता है अच्छा नहीं भी आता तो घबराने की जरूरत नहीं है हम ये ना के लिखते हैं थर्ड हाँ जी क्या जाके लिखते हैं कि हमारा 13 का टेबल आ जाए 13 into 1 = 13 into 1 यहां लिख देते हैं एंड यहां लिख देते हैं 13 हाँ जी 13 into 2 = 13 into 2 ठीक हो गया डज इट मेक सेंस अब मैं जाता हूं सी आउट और यहां जाके लिखता हूं 13 into 3 = 13 into 3 इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा इजंट देयर अभी आराम से सबर 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 हम वो लंबा प्रोसेस करेंगे ताकि आपको पता लगे कि किस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं ठीक है और यहां पर हम क्या करते हैं यहां पे 13 into 4 और यहां लिख देते हैं एंड ठीक हो गया और यहां पे जाके मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहां जाके मैंने 5 लिखा और यहां पे जाके मैंने 5 ठीक है फिलहाल मैंने इतना बड़ा टेबल लिखा है आपके ख्याल में इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी चाहिए 13 का टेबल 5 तक उसका टेबल शो होगा 5 तक ठीक है ये देखिए जी ये प्रिंट हो रहा है 13 का टेबल ठीक है मैं आपको अच्छा ये देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं और वो बात ये है ये ना डीबग में एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं हमने कंट्रोल F5 दबाते हैं स्टार्ट विदाउट डीबग है ना एक चीज जिसे कहते हैं स्टेप ओवर ये मैं बताता हूं क्या होता है अगर इसको F10 की शॉर्टकट की है अच्छा मैं अगर F10 प्रेस करूं तो देखना क्या होगा ये देखो मैं F10 प्रेस कर रहा हूं प्लीज ध्यान में रखिएगा मैं F10 प्रेस करूंगा तो ये दोबारा से बिल्डिंग करेगा और ये एक ब्लैक स्क्रीन नजर आई और देखना ये भी गायब हो जाएगी
स्टोर, एक मिनट सॉरी, हाँ जी ये देखें यहां पर आ गए। अच्छा F10 का मतलब ये है कि मैं अब एग्जीक्यूट करना चाहता हूं और मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, यानी सारा इकट्ठा एग्जीक्यूट ना करे बल्कि मुझे लाइन बाय लाइन दिखाए कि मैं एग्जीक्यूशन कहां से शुरू करूं। अब आप देख सकते हैं ये कौन सी लाइन से एग्जीक्यूशन शुरू किया उसने, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन से नहीं, ऊपर फर्स्ट लाइन तो ये मेन के अंदर फर्स्ट लाइन से, ये कहता मैं इधर से शुरू करने लगा हूं। ये देखिए अब मैं F10 प्रेस करने लगा हूं, ये देखिए F10 प्रेस किया मैंने और अभी देखें अभी ये लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट करने लगा है, ठीक है। और ये देखें मैं आपको ब्लैक स्क्रीन भी दिखा देता हूं क्योंकि अभी तक 6 लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, आपको ये देखे नजर आ रहा है कि ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसमें कुछ भी नजर आ रहा है अभी लिखा हुआ? नो सर। नो, वेरी गुड। अब देखें ये मैं F10 प्लस करूंगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब आप गेस कर सकते हैं कि ब्लैक स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ गया? लाइन नंबर 6 आ गई होगी, लाइन नंबर 6 की आउटपुट आ गई होगी जो क्या होगी 13 into 1 is equal to 13। ये देखे जी ये 13 into 1 is equal to 13 लिखा हुआ है। और अब मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ F10, ये देखे जी मैंने जाके F10 प्रेस किया, ये आप ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई है। तो और ये देखे यहाँ पे नजर भी आ गई, अब F10 किया तीसरी लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, चौथी लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई और ये पांचवी लाइन, ठीक है। ये बात सबको समझ आ रही है? आप एक दफा रिपीट कर सकते हैं कि आपने सिलेक्ट कैसे किया, बस उस पे कर्सर मूव कर दिया और कहा? हाँ, बस कर्सर मूव नहीं किया, बेसिकली मैंने ये देखे मैं स्टॉप, फिर बाद में जब आखिरी लाइन पे आए ना तो आपने करना क्या है, यहाँ पर ये स्टॉप का बटन नजर आ रहा होगा, ये स्टॉप का बटन है ना, नजर आ रहा है आपको टॉप पे ये? यस सर। इसको आपने स्टॉप का बटन दबा देना, ये स्टॉप करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये आपने जरूर करना है वरना बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा बताता हूँ आप इसका यूज किया, इसका यूज यह है कि मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना चाहता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम चल कैसे रहा है स्टेप बाय स्टेप, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, आज की एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं दोबारा किसी भी लाइन का एरर फाइंड करने के लिए ये यूज किया जाएगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा बात के इसके बहुत बड़े फायदे हैं, ये आपका दुनिया में सबसे खूबसूरत दोस्त बनेगा, ठीक है। चलें जी मैं दोबारा बताता हूँ, F10 प्रेस करेंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। F10 प्रेस किया मैंने, ये देखिए यहां पर आ गया, मैंने F10 प्रेस किया और अभी ये लाइन अभी कुछ भी आउटपुट नजर नहीं आ रही, मैंने F10 प्रेस किया तो ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई और यहां पर नजर भी आ रही, फिर F10 एग्जीक्यूट किया, फिर F10 एग्जीक्यूट किया, तीन लाइनें हो गई एग्जीक्यूट, चौथी भी एग्जीक्यूट हो गई है और अब ये पांचवी भी एग्जीक्यूट हो गई। जैसे ही रिटर्न जीरो पे आए इस पे एग्जीक्यूट नहीं करना, अगर आप कर भी देंगे तो फर्क तो नहीं पड़ता, बस ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हमने क्या किया? यस सर। यही कोड लिखा है, अब मैं कहता हूँ मैंने 10 का पहाड़ा नहीं करना, 14 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा करना है, आप बताओ क्या करें? सर 13 को रिप्लेस कर देंगे 17 से, तो इसका मतलब है मैं बारी बारी हर जगह जाके 13 की जगह 17. Sir, we can put something like a, instead of 13, put 17. हाँ, तो अब इसमें एक तरीका ये है कि मैं जाऊँ यहाँ पर edit में जाके होता है find replace, ये find and replace. So उसमें होता है find and replace control quick replace है ना? इसमें जाके लिखता हूँ 13 की जगह, तो 13 की जगह replace कर दे क्या 17. और मैं enter दबाऊँगा तो ये basically क्या करे, ये replace all भी कोई चीज़ होती है इसमें. ये रिप्लेस ऑल, ये देखिए ये रिप्लेस ऑल हो गया, और अब मैं इसको चलाता हूं और मैं जाके देखूंगा, आजा भाई ये देखिए 17 हो गया, 17 का पहाड़ डिस्प्ले हो गया है ना, ठीक है। आप अगर कोई कहता नहीं कि मुझे 17 का नहीं, मुझे 171 का चाहिए, तो मैं क्या करूं? लूप सेम प्रोसेस ओवर, तो फिर तो मुझे दोबारा काम ये करना पड़ेगा है ना, ये मुझे कोड के अंदर चेंजेस करनी पड़ रही है। और कितनी जगह, बाय द वे अगर मुझे फाइंड रिप्लेस का ना पता होता तो मुझे 5 जगह यहाँ चेंजेस करनी पड़ती, 5 जगह यहाँ चेंजेस करनी पड़ती, जब मैंने सिर्फ 5 का पहाड़ा लिखा है, अगर 5 दिन में 10 का पहाड़ा लिखता तो मुझे 10 ये चेंजेस करनी पड़ती, 10 ये चेंजेस करनी पड़ती, डू यू अग्री, 20 चेंजेस करनी पड़ती है ना? यस सर। मैं अब आपको एक मजेदार काम बताता हूँ, और वो काम ये है, याद है मैंने जब ये तस्वीर बनाई थी, ये तस्वीर,
तो मैंने याद है तुम्हें कहा था यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जो थी मेरे चार डब्बे थे, है ना? Yes, अच्छा आप चाहें तो सी प्लस प्लस में ये डब्बे बना सकते हैं और फिर उन डब्बों को आप बेसिकली एड्रेस कर सकते हैं, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ और डब्बे बताने के लिए सी प्लस में जरूरी होता है आपको बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ एक मैं इंटीजर का डब्बा बनाना चाहता हूँ, उसका मैं नाम रखूंगा ए, ठीक है? अच्छा उसके बाद मैं करता हूँ इसको लिखता हूँ ए इज इक्वल टू सेवन, ठीक है? इसका मतलब पता क्या है? अपना लॉक वो बंद कर दे, किसी का माइक चल रहा है वो बंद। अच्छा अब मैंने क्या किया, किसी का माइक बंद चल रहा है वो बंद कर, किसी का माइक चल रहा है। अच्छा मैंने इंटीजर ए किया और ए इज इक्वल टू 17 किया, ठीक है? अच्छा आप सुने बात गौर से, मैं जहां पर भी ये देखिए अगर मैं लिखूंगा ना सी आउट ए तो पता है इस जगह क्या आउटपुट होगा? 17। इस जगह का आउटपुट होगा जहां पर मैं इसका नाम लिखूंगा उसी जगह उस डब्बे की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एक और बात सुने, मैं यहाँ पे लिखूं a मल्टीप्लाई बाय 3 पता क्या आउटपुट होगा? 17 मल्टीप्लाई 3 51। मैं अच्छा सुने बात गौर से, मैं दोबारा से F10 प्रेस करूं आपके सामने, ये देखिए ये F10 प्रेस किया, मैं आपको दिखा रहा हूं ये x कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये मैं पहली लाइन पे आया, F10 प्रेस किया, ये देखिए a में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये यहां पे ये तुम्हें नीचे नजर आएगा, ये नजर आ रहे हैं ऑटो लोकल वॉच, ये आपको ना आप नीचे ये उस डब्बे दिखा भी रहा है, ये बाइक बना हुआ इसका नाम है ए और ये इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है -85889939360। इसे कहते हैं गार्बेज वैल्यू। क्या कहते हैं? गार्बेज वैल्यू। अभी तक क्यों इस मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की थी, इसलिए इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। अब जब मैं ई ए इज इक्वल टू 17 कर दूं और सेमी कॉलन लिखूं तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी क्या 17। ये देखिए जी वैल्यू 17 रिप्लेस हो गई है, ये देखिए F10 प्रेस किया उसकी वैल्यू कितनी हो गई 17 डिस्प्ले हो गई। और अब जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा F10 तो ये देखें क्या आउटपुट हो गया देखें 51 डिस्प्ले हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है, प्लीज वो जो ICS वाले बंदे हैं वो ना बोले, सुने बात गौर से, मैं इस प्रोग्राम को रोकना चाहता हूँ, रोकूंगा कैसे? सर जो आपने ऊपर स्टॉप का बताया था, स्टॉप बटन दबाया तो ये आप एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, प्लीज ये स्टॉप जरूर कर दिया करें, ठीक है? अच्छा वरना फिर सारा मसला हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ और बाद में प्लीज डोंट फॉरगेट कि हर लाइन के एंड में तुम्हें एंडल ये सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर सुने बात गौर से, अब प्लीज इसको पता है ना वो ना बोलो, मैं हर जगह जाके ए लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 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 ए लिख देता हूँ, इस 17 की जगह भी ए लिख देता हूँ, यहाँ पे 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 भी लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा प्लीज तो ICS वाले खामोश रहे, बाकी सब बोले कल परसों से तुम लोग बोलना शुरू कर दे। हाँ जी बताएं जी आपके ख्याल में इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, जिन्होंने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की वो ना बोले प्लीज। यार एक खातून थी जो बायोलॉजी की थी, उसका नाम क्या था? सर मी आयशा करीम। शाबाश, आप बताएं आपके ख्याल में क्या आउटपुट होनी चाहिए? सर 17 का टेबल आएगा। 17 का टेबल आएगा, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन गौर से देखें, जब ये मैं आपके सामने चला रहा हूँ, ठीक है? मैंने F10 प्रेस किया, मैंने F10 प्रेस किया, मैं लाइन बाय लाइन चला रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? ओके। ये पहली लाइन चली, ए में अभी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, नीचे नजर भी आ रही है, देख रहे हैं, ठीक है? और ये ए में 17 हो गया और अब मैंने लाइन नंबर 9 चलाई F10 से और ये देखें आउटपुट क्या आई हुई है। ओ क्या आउटपुट आई हुई है? 17 नहीं, 7 मसला हो गया है। ओ वो ए शो हो रहा है वहां पे, 17 शो नहीं हो रहा, वहां 17 शो होना चाहिए था, क्या मसला है? आपने वो डबल उसमें डाल दिए हैं कोटेशंस। एग्जैक्टली, हमने क्योंकि उसको डबल कोट के अंदर डाल दिया है, इसको डबल कोट से बाहर निकाले। Yes, तो फिर सेम ही आएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डबल कोट के से पहले लगा देते हैं ए और यहाँ पे ये कर, ये बात समझ आ गई? यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे आप देखते क्या होता है। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो देखना आउटपुट क्या है, क्योंकि वो डबल कोट से बाहर गया है, अब जहां पर भी ए लिखेंगे उसकी जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और वैल्यू रिप्लेस। कमाल हो गया, कमाल हो गया ना?
अच्छा मजेदार बात, अब अगर मैंने इसको कहना है 17 का पहाड़ा नहीं 171 का पहाड़ा पढ़ो, तो मुझे क्या फाइंड रिप्लेस करने की जरूरत है? बस मैं सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस करूंगा और वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ये देखें कंट्रोल है 5 और ये 171 का पहाड़ा आ गया। ये अभी आ जा भाई, ये देखिए 171 का पहाड़ा आ गया, टेबल आ गया हुआ है जो उर्दू वाले नहीं है। ठीक है, एवरीबडी अग्री टू मी? यस सर। आप सुने बात गौर से, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम अब भी मुझे, मैंने जो क्लाइंट है, अब कोई कहे मैंने ये सॉफ्टवेयर बना लिया, अब 50,000 लोग हैं और वो मेरा ये टेबल प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हर एक को टेबल अपना अपना चाहिए। एक कहता है मुझे 17 का टेबल चाहिए, एक कहता है मुझे 18 का चाहिए, एक चाहिए मुझे 19 का चाहिए, एक कहता है मुझे 131 का चाहिए, एक कहता है मुझे 1719 का चाहिए। अब मैं क्या हर एक के लिए अलग अलग कोड लिखूं? मुझे हर एक में जाके कोड में चेंजेस करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई सबको? सबको अपनी लिमिटेशन समझ में आ गई है कि मुझे इसका मतलब है 17,000 अगर लोग मुझसे अलग अलग का पहाड़ा चाहते हैं तो मुझे हर एक के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, सी प्लस प्लस में एक चीज होती है जिसे कहते हैं, इस तरह सी आउट होता है, इस तरह एक चीज होती है जिसे कहते हैं सी इन। हम कहते हैं ना सी इन ए, इसका मतलब होता है कि बेसिकली ये अब कंसोल से इनपुट लेगा। ठीक है, तो सुने बात गौर से, अब इसका इस लाइन नंबर 8 का मतलब ये है कि सी इन का मतलब है कंसोल यानी ब्लैक स्क्रीन से इनपुट लो और वहां पर जो भी तुम राइट करोगे वो किसमें आ जाएगा, वो ए में आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये मैं दोबारा F10 प्रेस करता हूं, मैंने F10 प्रेस किया हुआ है, ये थोड़ी देर में वाइब होगा और यहां पर आए, मैंने F10 प्रेस किया, अभी तक देखिए ए में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, गार्बेज वैल्यू पड़ी है। मैंने F10 प्रेस किया, ये यहां से गायब हो गया और ब्लैक स्क्रीन पर आ गया, है ना? यस। एक छोटा सा मसला है और वो मसला ये है कि ये काली स्क्रीन चलना शुरू हो गई और ये मुझसे इनपुट मांग रही है, मैं इनपुट दे सकता हूँ, लेकिन इजंट इट ए नाइस सॉफ्टवेयर, ऐसा होता है वो ना गाइड करता है कि तुम ये करो, मैसेज देना चाहिए इसको, तो डोंट यू थिंक हमें कोई मैसेज देना चाहिए कि विच टेबल यू वांट टू प्रिंट? सर सी एन के बारे में बाद में डबल कोटेशंस के बाद लिख देंगे कि एंटर द, उसमें इंस्ट्रक्शन लिख देंगे डबल कोटेशंस में, तो वो एज इज आ जाएगा। किस सवाल ये है कि वो क्या इस इनपुट से पहले लिखेंगे या इनपुट के बाद लिखेंगे? इनपुट से पहले लिखेंगे। शाबाश, सी से पहले जाके हम लिखेंगे सी एन सी आउट और यहाँ जाके लिखेंगे टेबल और यहाँ पर मैं कॉलन लिख देता हूँ, वो एंटर एंटर कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, आप देखना। अब मैं चलाता हूँ, मैंने कंट्रोल एफ दबा दिया, मुझे कंट्रोल एफ नहीं दबाना चाहिए था, मुझे दोबारा इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ, यहाँ आया, मैंने F10 किया, यहाँ आप देखना दोबारा गायब हो गया और यहाँ मैं इनपुट में कहता हूँ लेट्स से 101 और देखना जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा देखना क्या होगा, यहाँ से गायब होगा और ये देखे ए में क्या आ गया, 101 आ गया। और आप देखें ये देखे जी ये A, ये देखे जी 101 into 1 is equal to 1, 101 into 2 is equal to 2, 10 और ये देखे ये सारा का सारा कमाल हो गया। और अगर आप चाहते हैं दरमियान में थोड़ा सा गैप आए तो आप इसको स्टॉप डिबगिंग करें और यहाँ पे जाके MACOUT लिख दें, COUT and L और यहाँ जाके मैं एम ही लिखता हूँ ये ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए और यहाँ लिख जाके और आखिर में भी जाके यही काम और ये एंड। अच्छा ये गलती बता रहा है, अच्छा मैं जानना चाहता हूँ गलती बतानी थी। ये देखें अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, देखना क्या होगा। देखो अब ये कह रहा है कि मैं सक्सेसफुल नहीं कर सका, ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे, देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, ये बिल्ड की जगह मैं आउटपुट दिखाऊं ना आपको, तो बेसिकली ये आ रही थी कि देखिए एरर, ये 0 of 4 एरर, ये आउटपुट देखेंगे, देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 succeeded 1 failed। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं बात, यहाँ पे बेसिकली वो बता भी रहा है आपको और यहाँ पे अंडरलाइन भी इसने कर दिया
कि वो कहता है कि मुझे ना ये जो एंड है ना ये समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या क्या होना चाहिए था, एल होना चाहिए था साथ में, एंड एल होना चाहिए था, यहाँ पर भी एंड एल होना चाहिए था, ठीक है। एक और सुन ले बात, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये टेबल के बाद सेमी कॉलन लगाना भूल जाऊं तो ये अगली लाइन पे एरर दे देता है, पता है क्या कह रहा है, देखें क्या लिखा हुआ, क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ कह रहा है, एक्सपेक्टेड ए ए व्हाट, इससे पहले वो सेमी कॉलन कह रहा है लगाओ ए से, इससे पहले, ठीक है, इस लाइन से पहले, ठीक है। तो प्लीज ये ना आपको गाइड करता है कि क्या गलती है आपका, और आप देखिए आप मैं आउटपुट कराऊंगा तो ये इस तरह आउटपुट करेगा, टेबल मैंने 10 कहा और ये 10 का टेबल, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस जी, डज इट मेक सेंस, आप सुने बात हो, ये जो मैंने टेबल प्रिंटिंग की है, बात एक छोटी सी बात वो ये कि ना यूजुअली जो ये जो हमने इसका नाम ए रखा है ना, इट्स नॉट ए रिकमेंडेड थिंग कि इसका नाम आप ए रखें, इट्स ए रिकमेंडेड थिंग कि इसका नाम रखें कोई वेरी बड़ा अच्छा सा नाम, जैसे इसका नाम रखें टेबल, और हर जगह जहां मैंने ए लिखा है उसकी जगह रख दें क्या, इसकी जगह ए लिख दें, और इसकी जगह क्या लिखें, इसकी जगह टेबल लिख दें। अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल एच दबाता हूँ और स्पेस कॉमा ए स्पेस, और इसकी जगह रिप्लेस करता हूँ स्पेस कॉमा टेबल स्पेस, ठीक है, और यहाँ करता हूँ रिप्लेस ऑल, ठीक हो गया, ये जगह रिप्लेस हो गया, और अब मैं कंट्रोल एफ, तो इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप वेरिएबल का नाम ए बी सी ना रखें, बल्कि रखें कि वो उसका नाम वही रखें जिस जो जो उसका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, टेबल का एक वेरिएबल है, जितना उसमें जो वैल्यू आएगी वही का टेबल प्रिंट हो जाएगा, ये समझ में आए सबकी बात, मैंने 101 कह दिया 101 का टेबल प्रिंट हो, ठीक है। सो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि इसका वेरिएबल्स के नाम ए बी सी ना रखें बल्कि मीनिंगफुल नाम। अच्छा, अब मेरा आखिरी बात है, उसके बाद हम लेक्चर खत्म कर देंगे। मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूं ये जो मैंने टेबल प्रिंटिंग की है, ये मैंने प्रिंटिंग की है पता है कितनी, ये मैंने की है 5 तक, अगर मैं कहूं कि मैंने टेबल प्रिंटिंग करनी है 50 तक, क्या करूं जी बताएं, अगर मैं कहता हूं मैंने टेबल प्रिंटिंग करनी है 50 तक तो क्या मसला है इसके अंदर जी, क्या करना क्या पड़ेगा मुझे बताओ, यानी जो भी टेबल मैं कहूं स्कोर को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या दोबारा बोलो, 50 तक जाना है ना, साथ में इसे रिप्लेस करेंगे 1 2 3 4 को, नहीं मैं ये बेसिकली 1 से लेकर 5 तक टेबल प्रिंट कर रहा है ना, मैं कहता हूं 1 से लेकर 50 तक टेबल प्रिंट करें, सर कॉपी पेस्ट कर लिया मुझे, 50 दो चॉइसेस हैं क्या, आप एक तो यू कैन डू इट इसी तरह बार बार एक, या फिर आप जैसे अपने एल लाएंगे जिस तरह डिफाइन करें ऑटोमेटिकली रिप्लेस करता है, ये ऐसी बात है जो कि इतनी आसान नहीं है, ठीक है। एक तरीका ये है कि अगर मैंने 5 अगर मैंने कह दिया 500 लिखो 500 तक प्रिंट करो तो ये तो 500 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, मैं तो मर जाऊंगा, ठीक है। एक तो सर वी डिफाइन इट कि वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाए, वही हम करने लगे। नाउ लुक एट दिस, अब हम एक काम करते, मैं अभी आपको सबको समझ में आ गया मसला क्या, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, अभी एक दफा रुक जाए, ठीक है, सॉरी। अच्छा, मैं अब आपको एक और मजेदार चीज बताने लगा हूं, और मजेदार मैं इसको ना नीचे कर दूंगा, ठीक है, और मैं जानबूझ के यहां पे रिटर्न 0 लिख दूं, ताकि इसका मतलब है कि सिर्फ यहां तक कोड चले, इसके बाद रुक जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते, यहां जाके मैं एक चीज देखता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाइल, ठीक है, while, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, so basically मैं यहाँ पे कमेंट ऐसे बताता हूँ, basically मैं दोबारा जाता हूँ पावर पॉइंट पे। अच्छा, C++ में एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है जिसे कहते हैं while, एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसे कहते हैं while इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो while इंस्ट्रक्शन में होता क्या, इसमें ना ऐसे होता है, जिसे कहते हैं while, यहां होती है एक कंडीशन, ठीक है, और यहां होता है एक, यहां पे आप ब्लॉक बनाते हैं, इसको ये ब्लॉक कहते हैं, इसको करली ब्रेसेस, और यहां आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, सो इंस्ट्रक्शन लिख दी मैंने, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप आए यहां पे, आपका वाइल का मतलब है कि ये कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इंस्ट्रक्शन चला दो, ठीक है,
और फिर इस ब्लॉक का मतलब यह कि दोबारा से उतर जाओ और ये कंडीशन दोबारा चेक करो, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन दोबारा चला दो। अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन दोबारा चल जाएगी और ये बार बार करते रहो। जिस वक्त ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब तुम यहां हो गए, उसके बाद बेसिकली यहां पर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये यहां पर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कि इंटीजर ए है, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है वन, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं व्हाइल, अब सुन ले बात गौर से, और यहां मैं लिखता हूं ए इज लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है, बल्कि इसको लेते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू वन लिखते हैं, बल्कि ए इज लेस देन और इक्वल टू टेन लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे सुने बात गौर से, मैं यहां पे ये लिखता हूं और यहां लिखता हूं सी आउट, सी आउट, सी आउट हालो, हालो यहां लिखता हूं एच हालो, ठीक है, ये भी मजेदार किस्म का हालो नहीं है लेकिन ऐसे ही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी है इस वक्त, वन, यहां आएगा इस व्हाइल लूप में आएगा, क्या ए की वैल्यू कितनी है वन, इसके क्या वन इज लेस देन और इक्वल टू टेन है, yes. है तो वो यहां आएगा, यहां पे आके सी आउट हेलो करेगा और आउटपुट हो जाएगी हेलो। तो ये कंसोल स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन है उस जगह पे यहां पे लिखा जाएगा हेलो, ठीक है। अब ये यहां पे ब्लॉक खत्म हो रहा है यार, माइक बंद कर दे प्लीज, माइक बंद कर दे, माइक बंद कर दे। ये दोबारा चलेगा और कहेगा हाँ भाई क्या ए की वैल्यू अभी तक कितनी है, वन ही है, तो ये दोबारा चेक करेगा क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है, ये दोबारा चला देगा और दोबारा आउटपुट कर देगा। सबको समझ में आ गई बात, यस सर। तो ये कितनी दफा हेलो प्रिंट करेगा ये बताएं सर, ये तो फिर से चलता ही जाएगा। एग्जैक्टली, कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती ये कंडीशन, क्योंकि हमेशा ट्रू है, ए की वैल्यू वन है और वो हमेशा ट्रू है, तो ये हमेशा हेलो 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 प्रिंट करता है, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करता हूं, इस ब्लॉक के अंदर आके मैं एक बड़ा जबरदस्त काम करता हूं, और वो काम क्या करता हूं कि इस जगह आके, इस जगह आके ए की वैल्यू 20 कर देता हूं। अब क्या होगा, आप बताएं क्या होगा, सर आपने क्या किया? मैंने एक ही, आप ये लाइन चली, उसके बाद मैंने एक और लाइन इसमें ऐड कर दिया ए इज इक्वल टू 20, अब क्या होगा सर? अब वो ऊपर जाएगा लेकिन वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी होगी। क्योंकि ए की वैल्यू 20 हो गई है, तो ये कितनी दफा हेलो प्रिंट करेगा मुझे बताइए सर? जस्ट वन टाइम, जस्ट वन टाइम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये देखें जी, आप ये देखें गौर से मेरी बात सुनिए, मैं यहां गया, मैं यहां जाके मैं इंट ए बनाता हूं, इसकी वैल्यू मैं 10 कर देता हूं, और ये देखें जी यहां मैं लेता हूं ए इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ए की वैल्यू 1 थी और यहां मैं करता हूं a is less than or equal to 10, और यहां मैं कहता हूं c out hello, ठीक है। हां जी, अब आप बता सकते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी जी बताएं? 10 दफा हेलो प्रिंट करें, 10 दफा नहीं, कोई 10 दफा, इनफिनिट दफा, क्योंकि अभी तक मैंने a की वैल्यू चेंज नहीं की। ये मैं स्टॉप करता हूँ और अब मैं ए की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ए की वैल्यू मैं 20 कर देता हूँ। जब ए की वैल्यू 20 करूंगा तो क्या होगा, आप देखें आप कितनी दफा प्रिंट करता है, अब ये सिर्फ एक दफा करता है। और अब मैं एक और काम करता हूं, ये देखिए जी, मैं एक और काम करता हूं, मैं कहता हूं a is equal to a plus 1, अब बताएं। और यहां पर भी ये देखिए जी, यहां पे मैं लिखता हूं less than or equal to 2, अब बताएं, अब क्या, अब मुझे कोई बताए कितनी दफा ये प्रिंट करेगा सर? एक दफा ही करेगा वो सर, बहुत से देख दो दफा ऐड करता जाएगा जब तक कि वो 10 ना हो जाए, और जब 10 प्लस 1 तो 11 हो जाएगा, 10 तो हो जाएगा, तो कभी है ही नहीं। दफा करेगा, दो दफा, एक ने कहा एक दफा करेगा, चलें देखते हैं जी, देखते हैं जी कितनी दफा करेगा, ठीक है। F10 प्रेस करते हैं, F10 प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा बात, मैंने एक छोटी सी बात बताई नहीं आपको,
आप चाहें तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ए इसे कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल के साथ ही आप इक्वल टू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पे ये किया, F10 प्रेस किया, A में देखें वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखें क्या A की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, यस सर, यस के अंदर आ गया, इसने हेलो प्रिंट किया, ये देखें हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है, यस। और आप A इसके अंदर आया, इसने A इज इक्वल टू A प्लस 1 किया, यानी A में A इज इक्वल टू कर दो जो A की पुरानी वैल्यू उसमें से उससे एक ज्यादा, तो आपने F10 प्रेस कर दिया। A की वैल्यू कितनी हो गई है, नीचे देखो 2 हो गई है, 2 हो गई है। अब आपने F10 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, ये ऊपर आया, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है या नहीं, यस इक्वल टू है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब है कि ये चलेगा, तो ये यहां पर अंदर आएगा, ये एक बार प्रिंट करेगा, दोबारा दो दफा प्रिंट हो गया, और A की वैल्यू A में A इंक्रीमेंट हो जाएगा दोबारा, यानी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके वैल्यू कितनी होगी 3। अब बताओ 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, नो नो, तो ये यहां से बाहर आएगा और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट करेगा, ये दो दफा प्रिंट करेगा। सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई या नहीं आई, आप देखें मैं क्या, आप देखना मैं क्या करता हूं, इसको ना मैं कमिट कर रहा हूं इस पूरे पोर्शन को, ठीक है, ये कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स, इस पूरे का पूरे पोर्शन को मैं जान बुझ के कंट्रोल के सी दबाने से ना वो ये कमिट हो जाता है, इसे कहते हैं मल्टी लाइन कमिट। ये कमिट का मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो है वो कोड में शामिल नहीं है, ये जब ग्रीन हो जाए तो उसका मतलब है ये कोड का हिस्सा नहीं है। अच्छा आप सुने बात में क्या करूँ, ये जो मैंने पूरा कोड लिखा था ना, इस कोड को मैं उठा के नीचे कर रहा हूं और इसको दोबारा से मैं कमिट कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको चैप्टर भी दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये इसे कहते हैं मल्टी लाइन कमिट, यानी यहां से लेकर यहां तक कमिट हो जाएगा, इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार और जहां तक करना है उसके बाद स्टार करके दोबारा से बैक स्लैश दोबारा लॉक कमेंट, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अब देखना मैं क्या करता हूँ, ये देखे जी, ये देख, इस तरह मैंने टेबल बनाया, इसी तरह मैं एक और बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ लिमिट, ठीक है। और यहां पर मैं करता हूँ टेबल प्रिंट किया, फिर मैं सी आउट करता हूँ और यहां मैं कहता हूँ लिमिट, ठीक है, और यहां मैं जाकर करता हूं सी इन, ठीक है। सो बेसिकली मैं पहले टेबल इनपुट करवाता हूं, फिर मैं कहता हूं मुझे बताओ कितनी लिमिट तक प्रिंट करवानी, ठीक है। अच्छा आप देखना क्या होगा, मैं यहां लिखता हूं इंटीजर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आप देखना मैं क्या करता हूं, मजा ना आए पैसे वापस, वहां तक प्रिंट करवाना था, जितनी दफा वो कहेगा जितनी जहां तक आपने करवाना है वहां तक करवाइए। यहां लिखता हूं लाइल, यहां बताएं मैं क्या लिखता, बताएं जी बताएं मैं क्या क्या लिखूं, मैं लिखता हूं सी आउट, हाँ जी दसो जी, ये मैंने ए लिखा है, इसकी वैल्यू शुरू में 1 है, और मैं यहां लिखता हूं क्या, यहां मैं कंडीशन बाद में डालता हूं, सुने बाद में करता क्या, मैं यहां लिखता हूं जो टेबल प्रिंट करने को कहा गया है, सो मैं दो इनपुट करवाऊंगा, पहले टेबल, टेबल में लेट से उसने कहा 17 का टेबल प्रिंट, ठीक है, और फिर लिमिट में उसने कहा कि क्या करो 10 तक है, 100 तक लिमिट है मेरी, 100 तक तो मैं प्रिंट करवा दूं, ठीक है। तो मैं यहां करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं सी आउट, ठीक है, यहां पे लिखता हूं टेबल, यहां पे लिखता हूं टेबल, यहां लिखता हूं क्रॉस, यहां लिखता हूं ए, और यहां लिखता हूं इक्वल टू, और यहां लिखता हूं टेबल मल्टीप्लाइड बाय ए। अच्छा सुने बात और से क्या हो रहा है, टेबल में आया 17, ए में पड़ा हुआ है 1, ठीक है, वो क्या करता है सी आउट टेबल यानी 17 लिखा जाएगा इनटू, ठीक है, फिर लिखा जाएगा 1, ए की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू लिखेगा टेबल मल्टीप्लाई बाय ए, दो वेरिएबल्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो दोनों की वैल्यूज यहां पर रिप्लेस हो जाएगी, टेबल में क्या वैल्यू पड़ी है 17 और ए में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो यहां पे क्या आ रहेगा 17 इंटू 1 जो कितना होता है 1 होता है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और अब एक और काम कर देते हैं, यहां लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए कितना प्लस 1, ए प्लस 1, क्या बात है। अब सवाल सिर्फ ये है
कि ए को कहां तक चलाना है, लेस देन और इक्वल टू कहां तक होना चाहिए, लिमिट तक। और देखना ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये देखें जी दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, F10 प्रेस किया मैंने और आप देख सकते हैं, देखें हालांकि मैंने ऊपर वाला पार्ट कमेंट कर दिया, ये चलना शुरू वही उसी लाइन से करता है, लेकिन देखना ये जो 6 से लेकर वो जो 15 तक लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये देखें ये F10 प्रेस किया, ये डायरेक्ट कमेंट में से कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये देखिए वापस ये डायरेक्ट ही जरा टेबल में इस वक्त गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है और लिमिट में भी इस वक्त गार्बेज वैल्यू पड़ी। ठीक है, टेबल हमने प्रिंट किया, टेबल का सीन करवाया, टेबल में हमने लिखा 17 और F10 प्रेस किया, लिमिट में हमने कह दिया फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू है फिर में 10 1, क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है? हाँ जी यस सर है, तो ये इसके अंदर जाएगा, सी आउट करेगा, ये देखिए जी सी आउट हो गया। ठीक है, और ये a इज इक्वल टू a प्लस 1 हुआ, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई है। और ये f दोबारा जाएगा, दोबारा a की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है? यस सर है, तो इसके अंदर आएगा, इसको प्रिंट करेगा, इसको a इज इक्वल टू a प्लस 1 होगा, यानी a की वैल्यू देखिए 3 हो गई है, ये नजर आ रही है यहां पे, इस ब्लॉक की वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूं और इसको मैं दोबारा चलाता हूं कंट्रोल F5 से। अब मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं चला रहा, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं 17 और यहां मैं लिखता हूं 500 और ये देखें पूरा 500 तक इसने टेबल प्रिंट, कमाल नहीं हो गया? यस सर, पैसे पूरे हो गए, मैजिक, इजंट इट अमेजिंग कि आपको 500 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका ये काम हो गया। ये बात समझ में आ गई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म करूंगा, वो ये कि अभी हमने लिमिट ली है एक, अगर मैं कह दूं कि मैंने दो लिमिट्स लेनी है, एक है स्टार्ट लिमिट और एक है एंड लिमिट, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां मैं कहता हूं कि अब मैं लिमिट को कह देता हूं, लिमिट एक है मेरी स्टार्ट लिमिट और एक है मेरी एंड लिमिट, और मैं लिमिट में कहता हूं कि लिमिट में मुझे दो वैल्यूज दो, एक करो स्टार्ट और एक करो एंड, और इनपुट में मैं यहां पे लिमिट नहीं लिखता बल्कि मैं करता हूं शुरू में स्टार्ट और यहां मैं करता हूं सी इन में एंड। ठीक है, और यहां पर मैं शुरू अब ए अब मैं कहता मैं चाहता हूं कि मुझे मुझे स्टार्ट और एंड वो दोनों बता दे, यानी मैं कहता हूं कि 50 से लेकर 60 तक डिस्प्ले करें, अब बताओ 50 से यानी मेरा टेबल प्रिंट शुरू हो लेकिन वो 50 से शुरू हो, कहां तक जाए? 60 तक जाए, 60 तक। आप बताएं मैं क्या चेंजेस करूं? बायोलॉजिकल फिर आप एक ही जगह स्टार्ट, आप दोबारा एक और इंटीजर डिफाइन करेंगे और फिर व्हाइल वाले में ही दूसरा कंडीशन? नहीं, मैं इसी में चेंज करना, इसी में चेंज करना, बताइए और कोई वेरिएबल एक ही जगह एंड लिख दे, एक ही जगह एंड लिख दिया, ए को मैं बराबर कर देता हूं इसके स्टार्ट। अब देखें क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट में वैल्यू क्या आई होगी 50, तो ये मेरा टेबल ए की वैल्यू हो जाएगी 50, तो ये मेरा टेबल प्रिंट होना शुरू होगा किससे? 50 से। अब सवाल ये है किससे जाना कहां तक है? एंड तक, तो यहां पर लिख देते हैं एंड तक। तो अब क्या होगा, अब ये स्टार्ट से शुरू करेगा और एंड तक जाएगा, कंट्रोल है फाइव दबाते हैं, पहले वो टेबल पूछेगा, मैं कहता हूं 17 का टेबल स्टार्ट और एंड पूछ रहा है, मैं कहता हूं स्टार्ट तो जी 50 से, स्पेस लिख के फिर मैं कहता हूं एंड और 60 पे, ये देखिए 17 × 50 से शुरू हुआ और 17 × 60 पे खत्म, कमाल नहीं हो गया? Yes. तो ये मैंने हमने बेसिकली क्या किया, इसे कहते हैं लूप, ये जो हमने व्हाइल इंस्ट्रक्शन को बेसिकली कहते हैं लूप। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। शाबाश। सो हमने आज जो है क्या क्या चीजें पढ़ ली, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जस्ट एक रिमाइंडर। सो व्हाट हैव वी डन, हमने बेसिकली क्या क्या कर लिया है, वन वी हमने हिस्ट्री पढ़ी प्रोग्रामिंग की, ठीक है, और एडा लवलेस,
ठीक है, ये बात याद रखिएगा जब भी आप यूनिवर्सिटी में पहुंचे या जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं, कोई भी कहे खवातीन को काम करना नहीं आता तो आपको सीधे सीधे कहना ये बात गलत है, मैं नहीं मानता, क्योंकि एडा लवलेस उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, हिस्ट्री प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, फिर हमने पढ़ा या प्रोग्राम सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंटिंग प्रोग्राम, ठीक है, फिर हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा वो क्या था, हमने कहा कि हम टेबल प्रिंट करते हैं, ठीक है, और फोर में हमने पढ़ा क्या कि हमने कहा कि वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो हमें बार बार चेंजेस करनी पड़ी थी। ठीक है, वेरिएबल लेके हमने सी इन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, सी इन के लिए ग्रेटर देन यूज होता है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने बेसिकली कहा कि अब हमने बहुत सारी चीजें प्रिंट करनी थी तो फिर हमने इंट्रोड्यूस किया क्या, व्हाइल। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये पांच चीजें हैं जो कि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल मैंने बनाया है ये इंटीजर टेबल है। एक और एक लास्ट बात वो ये जो इसी तरह अगर मैंने टेबल 1.5 का प्रिंट करना हो तो एक छोटा सा कैच है वो ये है कि यहाँ पे जो इंटीजर डेटा टाइप है उसकी जगह एक और डेटा टाइप यूज होता है फ्लोट। और फ्लोट करने का मतलब ये है कि बेसिकली अब आप चाहें तो 17.5 करेंगे तो वो उसका टेबल प्रिंट। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप चलाऊंगा ना इसको और मैं कहता हूँ कि मुझे 1.5 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ तो वो उसका टेबल प्रिंट करके दिखा देगा। सो एक मिनट, ठीक है, हाँ ये देखो, अच्छा देखो अब exe फाइल चल रही थी, ये देख रहे हो, सॉरी exe फाइल कहाँ गई, ओह अब ये मसला हो गया, कंट्रोल F5, ब्लैक स्क्रीन चल रही है, नहीं चल रही। देखिए आप एक छोटी सी बात मैं बता दूँ, ये कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने क्या हुआ था, वो डिबगिंग मोड में चल रहा था और मैंने दोबारा से कंट्रोल F5 दबा दिया, अब वो कह रहा है कि मैं ना वो पीछे फाइल चल रही है। सुनो बात गौर से प्लीज, ये अपना माइक बंद करें प्लीज, और सुन लो ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है कैन नॉट ओपन फाइल दिस। अच्छा इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि कंट्रोल से दोबारा दबाते हैं, दोबारा कहता ही नहीं कहता, अच्छा आप चल पड़िए, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है टेबल में मैं 1.5 कह देता हूँ और मैं कहता हूँ मेरी स्टार्ट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1 है और जो मेरा एंड है वो मेरा 10। तो ये देखिए 1.5 × 1 से शुरू हुआ और ये टेबल, ये बात समझ में आ गई, तो ये 1.5 का टेबल प्रिंट कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि अगर हमने फ्लोटिंग वैल्यू ली तो फ्लोट डेटा टाइप भी होती है, इस तरह और भी डेटा होती है, कैरेक्टर होती है, डबल होती है और चार होती है, वो आपको आने वाली क्लास में, ठीक होगी बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, आपको चैप्टर में रीड करने को दे दूंगा, उस चैप्टर में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है जिस तरह से हमने आज सीखा है। तो आपका काम क्या है, काम मेरा सुन लें, आपका काम यह है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो टेबल प्रिंटिंग का सारा स्कीमा है जो हमने वो आपने फॉलो करना है, ठीक है, और ये जो यहां तक आपने खत्म करना है और फिर आपको 6 या 7 सवाल दिए जाएंगे जो सारा ने बना लिए हुए वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं, आप उसके ऊपर आप काम करेंगे, लेकिन उसको हाथ भी लगाने से पहले आपने क्या करना है, पहले यहां तक कंप्लीट करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सारे कोड्स के अंदर लिखे हुए हैं, प्लीज कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, आप खुद हाथ से लिखिएगा, हाथ से लिखने से आपको काम करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आई थिंक जो पहला लेक्चर है ना ये काफी ये बड़ा होना ही था, ये आमतौर पर मैं ना जो आप, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो लेक्चर है ना वो हम 3 घंटे में लेते हैं और हमने आपको ये जो आई एम रियली हैप्पी, आपको मैंने बहुत ज्यादा कराया, मैंने वो हिस्ट्री जो बताई वो भी मैं नहीं बताता, आई एम रियली हैप्पी, आई वांटेड टू से वन थिंग, आपकी क्लास बहुत मजे की है, यानी आमतौर पर मैं इस क्लास को 3 घंटे में कराता हूँ और आपने ये जितनी देर में कर लिया है आई एम रियली हैप्पी, यानी 1 आवर और 30-40 मिनट में आपने ये काम कर दिया जो कि बहुत अच्छी बात है और आपको समझ भी अभी आ गया है, आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि आई एम रियली एंजॉय इट। सो प्लीज आपने ये कंप्लीट करना है, आप ये कंप्लीट करेंगे ही तो हम आगे कर सकते हैं, वरना बढ़ नहीं सकते, तो प्लीज आप और किसी को कोई भी मसला हो तो हमें फॉरन बताएं, ठीक है, सो लेट मी स्टॉप।